शचंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति प्रीति रिवमूर्तिमते रस सिंधु सार संपदे विमला वेदघ्नीनां हृदयं काचन श्रीवृंदावनाधिकारिणी जयति श्रीराधावल्लभलाल की जय श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रस रानी की जय श्री वृंदावन रज रानी की जय समस्त संत भक्तन की जय निताय गौर हरि हो धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन प्यारो सुंदर श्याम
जय वृंदावन धाम, जय श्री हरि वंश दुलारी, जय वृंदावन धाम, जय जय श्री हरि वंश दुलारी, जय वृंदावन धाम, जय श्री हरि वंश दुलारी। बड़ा विलक्षण स्वभाव प्रेम का है कि जैसे ही इसका स्पर्श चित्त को होता है, प्रेम कभी मन और बुद्धि में अपना स्थान नहीं बनाता। प्रेम का स्थान है हृदय, चित्त, जहां से उसका परिष्कार होते होते वो आत्मा को स्पर्श करता है। जो मन और बुद्धि द्वारा संचालित होता है उसे प्रेम नहीं कहते। आप किसी से सोच या समझ कर व्यवहार कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते। और प्रेम का स्वभाव यह है कि प्रेम केवल दोष की ही निवृत्ति नहीं करता, प्रेम गुण की भी निवृत्ति कर देता है। जब हम श्री कृष्ण को निर्गुण कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें कोई गुण नहीं है। जब परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है तो उसका अर्थ यह है कि वो गुणातीत है, क्योंकि गुण दोष सत्य असत्य प्रकाश अंधकार श्वेत श्याम हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब साथ साथ रहते हैं। भगवान की रचना ऐसी है कि एक समय में दिखाई एक ही पड़ता है। जैसे ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आप कितना भी प्रयास कर ले, एक सिक्के के दो पहलू एक साथ रहते रहते भी कभी एक साथ दृष्टि में नहीं आ सकते। एक समय आप एक ही पक्ष देख पाएंगे। जितना सत्य ये है कि एक समय एक पक्ष दिखेगा, उतना ही सत्य ये है कि उसके पीछे दूसरा पक्ष होगा, साथ में होगा। हानि के साथ लाभ, यश के साथ अपयश, निंदा के साथ स्तुति, रोग के साथ राग के साथ अनुराग, ये सब भाव आपको इस संसार में साथ साथ मिलेंगे। इसीलिए इस संसार की रचना महत्पुरुषों ने कहा कि भगवान ने द्वंद से की है, और जब तक द्वंद है तब तक भय है, जब तक कोई दो है तब तक वहां निर्भयता नहीं होगी, तब तक वहां निश्चिंतता नहीं होगी। और प्रेम का स्वभाव ही है करत दोई ते एक। कल भी मैंने निवेदन किया था कि मन चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने की सामर्थ्य केवल प्रेम में है। पूजा से मन एकाग्र नहीं हो सकता, जब से मन एकाग्र होने में भी संदेह है, क्योंकि एकाग्र का अर्थ ये नहीं है कि आपका मन कहीं लग गया। एकाग्र होने का अर्थ, एकांत का अर्थ होता है जब एक का भी अंत हो जाए, जब कोई नहीं रहे, तब केवल एक सत्ता रह जाती है, जिसे प्रेम कहते हैं। जब तक गोपी गोपी है, कृष्ण कृष्ण है, देखिए तब तक झगड़ा है। जीव अपना जीवत्व विसर्जित कर देता है, भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं, दोनों एक स्तर पर आते हैं और केवल प्रेम रह जाता है, केवल भाव रह जाता है, केवल भक्ति रह जाती है। मधुसूदन सरस्वती पाद, एक दो दिन पहले शायद उनकी चर्चा भी हुई कि प्रकांड पंडित मथुरा आए, श्री ठाकुर जी ने बोध दिया, फिर जब उनको श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन हुआ तो उनसे किसी ने पूछा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इस वेद वाक्य के विषय में आप क्या कहते हैं, माने आपको क्या लगता है कि ये संसार सत्य है या असत्य है, ये है या नहीं है। कोई कहता है, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है सत्य, कोई कहता है असत्य। श्रुति कह देती है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आप क्या कहते हैं। तो जब तक ज्ञानी थे तब तक सारे विश्व को यही पाठ पढ़ाया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और जो ही श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन हुआ, आप देखिए जब तक किसी को ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या दिखाई पड़ रहा है तब तक उसकी दृष्टि में भी कुछ सच है और कुछ झूठ, और जब तक आपकी दृष्टि में कुछ असत्य है तब तक आपने सत्य को प्राप्त नहीं किया। और प्रत्येक ज्ञानी तुरीय अवस्था में पहुंचने के बाद भी, आप देखिए बड़ा विरोधाभासी सिद्धांत श्रुति का है, वो कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब ब्रह्म है तो फिर मैं कहां से रहा।
तो मधुसूदन सरस्वती पाद को जब भगवत कृपा से श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, तब उन्होंने कहा, उनसे किसी ने प्रश्न किया तो उनका एक पंक्ति का उत्तर था कि श्री कृष्ण चरणाम भोज सत्यमेव विजानताम, जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर मतिरमा। बोले ये मेरा कार्य नहीं है, जिसने बनाया है उसको मालूम है, वो देखेगा, वो संभालेगा। उनको अपने स्वरूप का भान हो गया, बोध हो गया कि भाई मेरा अधिकार कितना है, मुझे कितना जानना चाहिए, मुझे कितना कहना चाहिए। जैसे कल मैंने कहा ना, आप द्वार खटखटाओगे भगवान पूछेंगे कौन है। यदि आप मन के स्तर पर खड़े हैं तो आप अपना सबसे स्थूल परिचय देंगे। जैसे आप किसी से पूछो आप कौन है, तो कोई कह देगा हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं। ये बड़ा स्थूल परिचय है, केवल मन के स्तर का भाव है। ये कोई बुद्धिमान होगा तो वो कहेगा मैं मनुष्य हूं, कोई चित्त के स्तर पर जाएगा तो वो कहेगा मैं साधक हूं, और जो अपने सूक्ष्म अहम में स्थिर हो जाएगा वो मीरा की तरह कहेगा परम पुरुष मेरे नंद नंदन है और सकल ब्रजना। तो उनको भान हो गया इस बात का, अपने स्वरूप का बोध हो गया, अपने आप से पहचान हो गई कि भाई मैं क्या हूं, कितना मेरा अधिकार है, कितनी मेरी सामर्थ है, कहां तक मेरी पहुंच है। तो बोले भैया इतना जानता हूं कि भगवान के चरण कमल सत्य हैं, और सत्य असत्य के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, नो कमेंट्स। साधक के भीतर में ये गुण होना चाहिए कि उसको विवाद से बचना चाहिए। किसी ने कहा बोले कि व्यर्थ के विवाद से बचना चाहिए। मैंने कहा जो विवाद है वो व्यर्थ ही है, विवाद का कभी कोई अर्थ नहीं होता। ये जितने बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, मुझे कोई अर्थ नजर नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से अपनी बात रखता है, कह देता है, कहने वाला अपनी बात को श्रेष्ठ समझ के कहता है और सुनने वाला उसकी बात को बेकार की समझ के सुनता है, यही होता है। इसीलिए जो समझ जाता है वो कहता है कासो कहूं कौन पति आवे, और कौन करे बकवाद। भगवत प्राप्त महानुभाव में गदाधर भट्ट, वो कहते हैं बोले कौन करे बकवाद, मुझे बोले भगवान के विषय में कुछ बताइए, बोले बकबक कौन करे। अरे हम भगवत चर्चा करने को कहते हैं आप बकबक कहते हैं, बोले भगवान के विषय में जो जो कहता है अगर उसने अनुभव नहीं किया तो बोले बकबक है, कोरी बकबक। इसलिए जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। जिसने जाना है उसके पास समय नहीं है कहने का। जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। क्या जल में डूबा कोई व्यक्ति बात कर सकता है? नहीं कर सकता। वो जीता है, उसकी श्वास चलती है, अगर उसने श्वास पर नियंत्रण कर लिया है तो वो जिएगा जल के भीतर, लेकिन बोल नहीं पाएगा। जल के भीतर बोलने का अभ्यास कोई नहीं कर सकता, बोलेगा तो जाएगा। बोलने के लिए एक ही बात शक्य है कि उसको जल से बाहर आना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही भगवत रस में जब कोई डूब जाता है, जब कोई पूर्ण रूपेण डूब गया। अच्छा, और एक और बड़ी विचित्र बात है कि कोई डूबा है, महाराज कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। यू नो वन इज द आर्ट ऑफ स्विमिंग, एक टैलेंट है, आप स्विम करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं तो आप एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे। यू कैन अर्न अ मेडल बट यू कैन नॉट हैव अ पर्ल। आप तैर कर प्रशस्ति पत्र पा सकते हैं, मोती नहीं, मोती डूबने वाला पाएगा। भगवान असीम सिंधु हैं, लेकिन भक्त उस पार जाना ही नहीं चाहता। हम कहते हैं तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। और भक्तों से पूछो कहेगा मुझे माया का पार पाना ही क्यों है, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे उससे कोई अर्थ नहीं है। तो एक है तैरना और एक है डूबना। ज्ञान तैरने की कला सिखाता है, भक्ति डूबने की कला सिखाती है। तो जिसको कहना है उसको उस रस से बाहर आकर कहना पड़ेगा। रस में डूबकर कोई रस की बात नहीं कह सकता, भगवत भाव में डूबकर कोई भगवत भाव की बात नहीं कह सकता। ये जिन जिन भगवत प्राप्त महानुभावों ने भगवान की लीला गाई, वो भगवत भाव से बाहर आते थे तो लीला का गान करते थे।
श्री कृष्ण के विरह के भाव से कभी श्री कृष्ण स्वयं बाहर धकेल देते हैं मीरा को, तो मीरा दो बात गुनगुना पाती है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है मीरा को कुछ बात किसी से कहने की और कुछ बात किसी से सुनने की। और दूसरी एक और बात, दूसरी प्रेम की विचित्रता, दूसरी प्रेम की विचित्रता ये कि एक पहली बात जो मैंने कही कि एक प्रेम ही है जो मन को एकाग्र करेगा, कंसंट्रेट, जो भगवान कह रहे हैं ना सबके ममता ताग बटोरी, आप कहां से खींच खींच कर ममता निकालोगे, ये तो ऐसा दलदल है साहब, आप जितना हाथ पैर मारोगे जितना निकलने का प्रयास करोगे दो घड़ी बाद आप अपने आप को उतना ही उसमें धंसा पाओगे, क्या करोगे, कहां जाओगे, किससे कहोगे, कौन सुनेगा, कौन बताएगा, कोई मार्ग नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए संत कहते बोले नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जिसको सदगुरु से नाम मिल गया और जिसको जीवन में इस बात का उद्देश्य निश्चित हो गया कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी सत्संग की आवश्यकता रह जाती है। जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, ये जो कथा चर्चा से जो भी सब कुछ यहां हो रहा है ये इसी लगन को लगाने के लिए है, लग जाए फिर आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि लग जाने के बाद कोई सत्संग नहीं करता, लेकिन लग जाने के बाद सत्संग करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आप लोग कितनी उठा पटक करते हो यहां पर, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि मैं आपको ये कहूं कि आप आराम से बैठ जाइए, ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है कि मैं आपको कह रहा हूं आप आराम से बैठ जाइए, इतनी योग्यता इतनी सभ्यता तो हम सबके भीतर होनी चाहिए। आप वैसे बहुत सभ्य हैं, आप किसी पार्टी में जाते हैं आपकी सभ्यता झलकती है, आप सिनेमा में जाते हैं बगल वाला व्यक्ति जरा सा मोबाइल पर बात करे आपको कितनी परेशानी होती है ना? और सत्संग में आप वही काम करते हैं, वहां पर आपकी एकाग्रता क्यों है? क्योंकि आपका मन वही चाहता है, ये आपका मन चाहता नहीं, और जब लगन लग जाती है फिर आपका मन ये चाहता है, फिर आपको सत्संग में एकाग्र होना नहीं पड़ता, फिर आपको सत्संग में दत्तचित्त होना नहीं पड़ता, वो भाव सहज से हो जाता है। तो पहली बात तो केवल प्रेम ही है जो एकाग्र करता है, और दूसरी बात प्रेम ही है जिसको पा लेने के बाद आप वस्तुतः आपका परिचय सुख से होता है, आपका परिचय आनंद से होता है। कल भी मैंने निवेदन किया था, छीन लेने में झपट लेने में सुख नहीं है, और छीनने और झपटने वाला कभी पूरा नहीं होता, कभी पूर्ण नहीं होता। एक बात गांठ बांध लीजिए, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से और मनोविज्ञान की दृष्टि से भी, किसी भी दृष्टिकोण से, फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स, एक बात निश्चित है, आप सुख पाएंगे, आत्मा का सुख, मन का सुख बड़ा छिछला है, अब आएगा अब चला जाएगा। जिन 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 छोटे छोटे भावों में, जिन छोटे छोटे तुच्छ तुच्छ विषयों में आप सुख खोजते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं है, मिलता है, लेकिन बड़ा क्षणिक सुख है, क्षणभंगुर, अब आया और अब गया। एक भोग भोगने के लिए कितना प्रयास जीव करता है, और वो भोग भोगने का जो समय है वो दो घड़ी आती है कब चली जाती है मालूम भी नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। इसलिए इसका सुख क्षणिक है, वस्तुतः जो सुख है जिसके लिए नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं प्रतिक्षण वर्धमानम, माने जो आता तो है लेकिन जाता नहीं, अपितु पल पल बढ़ता है, वो प्रेम का सुख। यदि आपको स्मरण हो जहां से मैंने पहले दिन अपनी बात आरंभ की थी कि उपासना वो जो आपको भीतर से समृद्ध बनाए, जो आपकी आत्मा को समृद्ध करे। जब कोई समृद्ध हो जाता है व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति, जब मैं व्यक्ति कहूं तो समझ लेना मनुष्य, जिसमें मनुष्य के गुण तो होने चाहिए कम से कम, जो मनुष्य कहलाने योग्य होना चाहिए। तो जब मनुष्य समृद्ध होता है, व्यक्ति नहीं कहूंगा मैं, जब मनुष्य समृद्ध होता है तो वो देने में सुख पाता है, उसको देकर सुख मिलता है। नीति कहती है कि समृद्ध मनुष्य का क्या लक्षण है, समृद्ध मनुष्य का लक्षण यही है कि जो उसके आश्रित जीव हैं वो भी समृद्ध हों, यही समृद्धि का लक्षण है। यही बात गोपी भगवान से कहती है कि प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आप सर्व समृद्ध हैं, आपका नाम समृद्धि देने वाला है, और आपके आश्रित हम ब्रज सीमंतनिया, आपके आश्रित हम अबला गोपांगनाएं, इस प्रकार
इस प्रकार की पीड़ा पाती बन बन भटके, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपके यश को शोभा नहीं देता। फिर गोपी स्तुति करती है, प्रणत देहिना पाप कर्षणम् त्रीण चरानुगम शीनि केतरम् मणि फणार्पितम् ते आपके श्री चरणारविंद की महिमा, आपके चरण कमलों का वो अद्भुत अतुल्य अनुपम रस वैभव, आपके श्री चरणारविंद की वो अद्भुत सामर्थ कि कोई किसी भी भाव से उनके निकट आ जाए, उनका चिंतन कर ले, उनका स्मरण कर ले, उनका मनन कर ले, तो आपके श्री चरणों की अद्भुत सामर्थ है कि वो शरण में आने वाले के पापों का कर्षण कर लेते हैं, पापों को निवृत्त करते हैं। और जहां अभी मैं कह रहा था कि उपासना आपको भीतर से समृद्ध करती है, तो भीतर की समृद्धि क्या है? निष्कामता ही भीतर की समृद्धि है। निष्कामता यही आत्मा की समृद्धि है, जब आपको कुछ नहीं चाहिए, ये भीतर की समृद्धि है। एक बार एक सन्यासी किसी वृक्ष के नीचे उदास बैठा था, एक महात्मा आए, नव युवक था, तरुण था, बोले किस कारण से उदास हो? बोले महाराज शांति चाहिए इसीलिए उदास हो। हंस पड़े महात्मा ठहाका मार के। तो उस तरुण युवक को लगा कि मैंने कोई गलत बात बोल दी, यही तो कहा शांति चाहिए और ये प्रत्येक जीव का उद्देश्य है, इसीलिए संन्यास धारण किया है कि शांति चाहिए। बोले महात्मन क्यों हंसे आप? बोले देखो कितना विरोधाभास है तुम्हारी बात में, एक और तुम्हें कुछ चाहिए और एक और तुम शांति की बात करते हो, जब तक कुछ चाहिए तब तक शांति कहां से आएगी? तो बोले महाराज शांति चाहिए। बोले यही शांति के मिलने में सबसे बड़ी बात है। बोले मैं अभी तुम्हें शांत किए देता हूं। बोले आंख बंद करो, दो चार लंबी लंबी सांस लो और अपने मन से कहो कि तुझे कुछ नहीं चाहिए, देखो मन में क्या रह जाता है। तो बड़ा अद्भुत प्रयोग था, आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। कभी मन बहुत दुविधा में हो, मन बहुत पीड़ा में हो, न चैन पाता हो कहीं, तो नाम लेना और अपने मन से कहना कि देख तेरी जिभ्या पर हरि नाम आता है और क्या चाहिए। भले ये प्रयोग आप आत्मा के स्तर से न कर पाए, मन बुद्धि के स्तर पर करना। भीगता तो साहब डूबने वाला भी है और भीगता लहरों से खेलने वाला भी है। आपको त्वरित प्रभाव मालूम पड़ेगा इसका, इसका तुरंत परिणाम आएगा। तो निष्कामता ही अंतर की समृद्धि है। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, बोले मुक्ति श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है? तो मैंने कहा प्रश्न गलत है आपका, मुक्त व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। मुक्ति और भक्ति में श्रेष्ठता का कोई तारतम्य स्थापित हो ही नहीं सकता, मुक्त व्यक्ति ही भक्त हो सकता है। मुक्ति भक्ति से श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है, मुक्ति की आवश्यकता है।
संसार के बंधन में बंधा व्यक्ति क्या भजन करेगा? जिसको कुछ चाहिए वो भक्त नहीं हो सकता, जो भक्त है उसे कुछ चाहिए नहीं। और मुक्ति का अर्थ केवल शरीर का छूट जाना या नहीं, एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है, बोले कि इच्छा के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु है, इच्छा के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु है, और प्राणों के रहते इच्छा चली जाए यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। आपको भगवान ने यहां भेजा है, आपको भगवान ने यह भी बताया है कि उपासना मुझे प्रकट करती है, प्रत्यक्ष करती है। किसने देखा? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि बाप स्वर्ग नरक की बात छोड़िए, पाप पुण्य की बात छोड़िए, कल क्या था ये छोड़िए, कल क्या होगा ये भी छोड़िए, आज क्या है आप, आज आपके हाथ में क्या है, आज की बात करिए। कब से भजन कर रहे हैं, कब तक भजन करेंगे, इस बात में कोई सार नहीं है। आपने आज इस क्षण का मोल लगाया है कि नहीं लगाया? तो भगवान के चरण कमलों का ये रस वैभव है, भगवान के चरणों का ये अद्भुत वैभव है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, ज्ञानी के लिए भी, अज्ञानी के लिए भी, दुष्ट के लिए भी, महात्मा के लिए भी, ऐसे भगवान के चरणों का स्मरण कोई भी करे, भगवान के श्री चरणों के निकट भाव से, चिंतन से जाने का प्रयास कोई भी करे, एक ही परिणाम आएगा कि भगवान के चरण कमल सकामता को नष्ट करते हैं। जब आप हरि नाम करें तो आपका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि मन को लगने के लिए ठौर चाहिए, ठिकाना चाहिए। आप नाम जपेंगे, आंख खुली होगी, मन संसार को देखेगा। आज तो अभी क्या करते हैं लोग, मैं देखता हूं टीवी देखते हैं और माला झोली से मैं माला भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये बुरा है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। शास्त्र में 10 नाम अपराध बताए गए हैं, न देखने योग्य वस्तु को देखना, न सुनने योग्य बात को सुनना, और साथ साथ में हरि नाम लेना, ये नाम अपराध है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि आपने 16 माला किया और आप निवृत्त हो गए, इसीलिए आपको 16 माला करने के लिए नहीं कहा गया। यहां से आपको आरंभ करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये वो सबसे साधारण बात है जो आप कर सकते हैं, इसीलिए आपको कहा कि पहले आप ये करिए। यदि आप बिना किसी उद्देश्य के चल रहे हैं तो ये व्यर्थ है। आपका गंतव्य निश्चित होना चाहिए। दो बात बहुत जरूरी आपको मालूम होनी चाहिए कि मैंने कहां से शुरू किया और मुझे कहां जाना है। तो गोपी कहती है, आपके चरणों का ये रस वैभव जानकर, समझकर, प्रत्येक श्लोक में गोपी ने ये कहने का प्रयास किया है कि हम केवल आपको कोई सुंदर पुरुष मानकर आपके निकट नहीं आई हैं। आपने हमसे कहा ना कि अर्धरात्रि के समय क्यों पर पुरुष के निकट आई हो, तो प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पंक्ति में गोपी ने प्रेम भरा उपालंब भी दे दिया है और भगवान के उस परम स्वरूप की, उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की स्तुति भी कर दी। हम जानती हैं ये जिन चरणों की शरण हमने ली है ये कोई साधारण मनुष्य के चरण नहीं है, ये किसी देवता के भी चरण नहीं है, ये उसके चरण हैं जो अपने चरणों का आश्रय लेने वालों को जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त करता है। जिन चरणों का स्मरण मात्र जीव मात्र को निष्पाप कर देता है, निष्कलुष कर देता है। तो आपके वो चरण कमल प्रणत दे फणार्पितम् ते पराम्बुजम् वेणुकुचेषुनः पिन्द्रिहेच्छयम्। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो रात बहुत है, मुद्दे पर आओ, क्या कहना चाहती हो? तो गोपी कहती है, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेशु न कृंदि हृच्छयम। और उससे पहले कह दिया, तृण चरानुगम श्री निकेतनम,
कि एक बार आप अपने ये चरण कमल हमारे हृदय पर पधरा दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय से तो मुझे दुर्गंध आती है। कैसी दुर्गंध? बोले तुम्हारे हृदय में काम की अग्नि जल रही है। मेरे चरण कमल सुकोमल हैं, सुकुमार हैं, तुम्हारे हृदय पर पधरा दिए तो काले पड़ जाएंगे। तो एक गोपी कहती है कि तुमने हमें भटकाने का ठेका लिया है, किसने तुम्हें जगत गुरु बना दिया? कौन तुम्हें जगदाधार कहता है? क्यों वेद तुम्हारी स्तुति जगन्नाथ कहकर करते हैं? बोले अरे वो महाविशैला कालिया जिसके फणों पर आपने नृत्य किया, बोले उस महाविशैले कालिया को नाचते समय आपको उस विष से डर नहीं लगा? और हमारे हृदय में ये जिसे आप विष कहते हैं प्यारे, इस अमृत को पाने के लिए देवता लालायित हैं। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता है सिर धरे वृंदावन रजनित। और उपालंब देती है गोपी कि वृंदावन में इस ब्रज भूमि में आपने किन कंटका कीन गलियों में चलकर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, आप नंगे पांव चले, आपके पादुकादि व्यवधान शून्य चरण इस ब्रज भूमि पर पड़े, छोटे छोटे तिनकों को आपने कृतार्थ कर दिया। गो बछड़े मृग मरकट मयूर पशु पक्षी, बोले आपने सबको कृतार्थ किया बिना योग्यता अयोग्यता का विचार करे। और आज हम उनसे भी गई बीती हो गई, आज आप हमको उस महाविशैले विषधर कालिया से भी गया बीता बताते हैं कि उसके फणों पर चरण रखते आपको संकोच नहीं हुआ और हमारे हृदय में चरण रखते आपको संकोच होता है। फणी फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् भगवान ने कहा कौन से चरण, जैसे कल भगवान ने कहा कौन सा रूप देखना चाहती हो, तो गोपी ने कहा वो रूप जब गोधूली वेला में आप पधारते हैं, धूल धूसरित आपका वो श्रीअंग, बिखरी अलकावली आपके नील कुंतल केश जब आपके कपोलों का चुंबन करते हैं, आप अपनी अलसाई दृष्टि से, लेकिन ये आपकी दृष्टि का रस वैभव है कि वो अलसाती तो है लेकिन आपकी चितवन स्थिर नहीं होती, वो आपकी चंचल चितवन। आवत बने कान गोप बाल कने संग, आवत बने कान गोप बाल कने संग, नीचुकी कुरेणो क्षुरित शोभित मत मोर चंद्रावली, शीश शोभित मत मोर चंद्रावली। तो ठाकुर जी को विश्वास हो गया कि इनको मेरे ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। गोपी को इस बात से अर्थ नहीं है कि तुम तीनों लोगों के स्वामी हो। बड़ा अद्भुत भाव होता है भक्त का, बड़ी बड़ी परिष्कृत अनन्यता होती है भक्त की। अच्छा एक अनन्य व्यक्ति तो ये होता है जिसके मन में आग्रह है अपने इष्ट के प्रति कि मुझे इन्हीं का ध्यान करना है, इन्हीं का भजन करना है। लेकिन प्रेम कैसी अनन्यता देता है कि दूसरे की सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है। जैसे ब्रजवासी कहता है ना, भैया हम तो कन्हैया के फनन्य भक्त हैं, हम जानते ही नहीं किसी और को, हमारी किसी और से पहचान नहीं, किसी से परिचय नहीं और हमें आवश्यकता भी नहीं। कैसी परिष्कृत अनन्यता प्रेम देता है। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं, बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर, और जो रघुवर को ना रुचे वह बनवे में धूर। बोले प्रभु जो आपको न भाए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है
मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो आपको ना भाए उस मार्ग में आप ही बाधा बन के आना। भोली सखी कहती है, जय विधि तोय अति प्यारी लागो, बस ऐसी मोहित कर दी। पूछते हैं भगवान कैसा होना चाहते, बोले जैसे आपको अच्छा लगे, हम जैसे आपको अच्छे लगे। तो प्रणत देही नाम पाप कर्षणम ते पदाम्बुजम, आपके वो चरण कमल। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम स्त्रियां हो, गोपांगनाएं हो, अबला स्त्रियां हो, क्या अबला स्त्रियों के हृदय पर चरण रखना ये मुझे शोभा देता है, इससे तो मुझे पाप लगेगा। तो गोपी कहती है ऐसा आप नहीं कह सकते, पाप कर्षणम, जिन चरण कमलों का स्मरण पाप से निवृत्ति दिला देता है उनको पाप कैसे लग सकता है। बोले जिन चरणों का स्मरण करने से पापी पाप से निवृत्त हो जाता है, यानी पूर्व भी निवेदन किया था पुण्य कमाना सरल है, पाप से निवृत्ति कठिन है, कठिन नहीं लगभग लगभग असंभव है। जब तक भगवान ना चाहे तब तक नहीं होता। वो आप ऐसा समझ लेना, भगवान जितना क्लिष्ट सिद्धांत बताएं मूल में उतना ही आसान होगा, और वो जितनी आसान बात कहें वो वस्तुतः उतनी कठिन होगी। बोले कैसे मिलोगे, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पार, निर्मल मन कर लो मैं मिल जाऊंगा। और जब करने बैठे तो सब होता है, बस मन निर्मल नहीं होता। जब डॉक्टर आपको डिप्रेशन की दवाई देता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, रोग आपको मन का, अवसाद जो है वो मन का रोग है, रोग आपको मन का है, दवा आपके शरीर में जा रही है, क्या लाभ होगा, कुछ नहीं। इस रोग की कोई दवा नहीं है क्योंकि रोग ही मन का है। तो गोपी कहती है ऐसे भरमाइए मत, तुम कह देते हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और ये हम जान गई हैं कि सब कुछ होता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये मन का निर्मल होना ये तुम्हारे अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है। तेरा दिताले चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मे सतगुरु दीन दयाना, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मे सतगुरु दीन दयाना। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहारा। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहारा। ओ तन मन होवे वस्तु मांग रही हो। क्या है कि हमारे चरण कमल जो हैं वो विशुद्ध भक्ति का घर हैं, जो शुद्धा भक्ति है। शायद अभी परसों मुझसे किसी यहां के किसी साधक ने पूछा था कि क्या प्रेम और भक्ति में कोई भेद है। भेद नहीं है, लेकिन प्रेम जो है वो भक्ति की पूर्ण परिपक्व अवस्था है। जैसे आप एक गुलाब के फूल का चिंतन करिए, पूरा खिला है, केवल फूल का जो मकरंद होता है, जो फूल की कर्णिका, पुष्प की जो कर्णिका होती है, केवल वो बंद है, बाकी सारा फूल खिला है। उसमें खुशबू भी है, उसमें औषधीय गुण भी हैं, लेकिन
अभी अंतिम परत खुलना बाकी है। तो जो अंतिम परत खुलने से पहले की अवस्था है वो भक्ति है, और जब वो पूर्ण रूपेण खिल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, वो प्रेम है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर भंवरे को रसपान करना है तो वो पंखुड़ी पर बैठकर नहीं करेगा, वो कर्णिका के खुलने की प्रतीक्षा करेगा और पुष्प के मकरंद का ही पान करेगा। ऐसी गोपियां क्या है? गोपियां श्री कृष्ण की भक्त नहीं है। नारद जी ने कहा कि भक्त कैसा, यथा ब्रज गोपी का नाम। लेकिन वृंदावन के रसिक संतों ने पता लगाया और गाया कि गोपी प्रेम की ध्वजा। बोले गोपांगना केवल भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, गोपांगनाएं तो श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं। वो तो श्री कृष्ण के रूप का, श्री कृष्ण के रस का, श्री कृष्ण के भाव का, श्री कृष्ण के स्वभाव का और श्री कृष्ण के स्वभाव का पान करती है। इतना परिष्कृत उद्देश्य है, इसलिए उसे कोई भटका नहीं सकता। ठाकुर जी भी लौटाना चाहते हैं, गोपी नहीं लौटती। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो ये अदेय वस्तु है, क्योंकि हमारे चरण कमलों की रेणु हम जानते हैं कि जड़ को भी चेतन करती है। भक्त लोग गाते हैं ना, चरण छुआए अहिल्या तारी। श्राप मिला गौतम ऋषि की पत्नी को, अहिल्या जड़ हो गई, पाषाण हो गई। हमको भी ऐसे ही श्राप मिला है, हम भटक रहे हैं संसार के जड़ विषयों का चिंतन करते करते, सेवन करते करते, भोग करते करते जड़ हो गए हैं। और इस हालांकि अहिल्या शुद्ध है, ऋषि पत्नी है, लेकिन भगवान को संकोच हो रहा था। जब विश्वामित्र ने आज्ञा दिया, भगवान को संकोच हो रहा था, बोले अरे ये ऋषि पत्नी है, मैं कैसे चरण स्पर्श करूं? बोले प्रभु आप चरण स्पर्श मत कराइए, आप औषधि दीजिए। आपके चरण कमल जो है ना, वो जड़ को चेतन करने की औषधि स्वरूप है। ऐसे आप अपने मन को औषधि दीजिए। मन को रोग हुआ है, जो बात मैं अभी कह रहा था, डिप्रेशन हो रहा है, आपको डॉक्टर कह रहा है आपको अवसाद है, आप दवाई मत लीजिए, ये मन का रोग है। और मन के रोग की दवा श्री कृष्ण के चरण कमल है, कि ये मन की जड़ता को दूर करेंगे। कैसे भगवान के सुंदर चरण, सुकुमार चरण, वृंदावन की कुंज वीथियों के सुभग श्रृंगार रूपी चरण, और भगवान के चरणारविंद का जो तल है वो लाल है, एकदम लाल। श्री ठाकुर जी के श्री अंग का वर्ण कैसा है? जैसे इंद्र नीलमणि होती है, नीलम जैसा रत्न होता है। और वो जो चरण कमल का तल है, लाल। लाल क्यों है? क्योंकि भक्त अगाध अवाध अनंत काल से उन्हीं चरण कमलों के तल का चिंतन कर रहे हैं, और प्रेम का रंग लाल होता है, अनुराग का रंग लाल होता है। तो भक्त नित्य प्रति प्रतिक्षण अनादिकाल से लेकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, अभिषेक करते हैं अपने अनुराग के रंग से। वो रंग चढ़ गया है ठाकुर जी पर। ऐसे चरण कमलों का चिंतन करिए, मन की जड़ता दूर होगी, मन में प्रकाश होगा, आपका चित्त आलोकित होगा, आप भूल जाएंगे परेशानी क्या होती है, अवसाद क्या होता है। ये डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, ये रोगी नहीं है, इसलिए इसकी कोई दवा नहीं है। लेकिन डॉक्टर को कुछ तो कहना है, आप गए इतना परिश्रम करके, खाली कैसे लौटा देगा आपको? उसको आपसे व्यापार करना है, उसको अपनी डॉक्टरी से प्यार करना है। सीधी सीधी सी बात है, दुख हो, दंद हो, पीड़ा हो, अवसाद हो, आप भीतर से दीनहीन अपने आप को अनुभव करते हो, समझिए कि मन जड़ हो रहा है। तो विश्वामित्र ने कहा, बोले प्रभु आपको चरण स्पर्श नहीं कराना है, आपको औषधि देनी है, आप इसे औषधि दे दीजिए। तभी तो जब वो कहते हैं ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े, और केवट नाव पर चढ़ाने को तैयार नहीं था। बोले अरे हमने बहुत महिमा सुनी है इनकी, आपने पाषाण खंड को स्पर्श कराया, वो पाषाण खंड स्त्री बन गया। और केवट ने कहा, भगवान मेरी तो रोजी रोटी है, मेरी तो ये काठ की नैया नारी ना होए उड़े, ये भी नारी होकर उड़ गई तो मैं कहां जाऊंगा, घर कौन चलाएगा? लक्ष्मण जी पीछे खड़े क्रोध में देख रहे हैं, अरे प्रभु से विवाद करता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, नहीं ये विवाद नहीं करता, ये ठीक कहता है। प्रभु ने मंद मंद मुस्कुराए और स्वीकृति दे दी। केवट दौड़ के जल भर लाया,
चरण धोए चरणामृत पाना। और भक्त का कार्य हो गया। केवट को मालूम था जो मन की निर्मलता कभी नहीं होगी, किसी साधन से नहीं होगी, बोले वो इन चरणों के आश्रय से वो भाव सहज में प्राप्त होएगा। तो भगवान ने कहा कि ये अदेय वस्तु है, अब हम नहीं देते किसी को, पहले दिया करते थे अब नहीं देते। तो गोपियों ने कहा अब क्यों नहीं देते, बोले अरे जिस जिसको दिया बहुत हमको नखरा उठाना पड़ा। कैसे? बोले अरे द्रौपदी की जूती पीताम्बर में उठानी पड़ी। तो बोले अब हम इस वस्तु का दान नहीं करते। तो गोपी कहती है अच्छा एक और बात है हमारे पास, आप भी हमें वस्तु का दान मत कराइए। जैसे विश्वामित्र ने कहा ना औषधि दे दीजिए, अरे कोई भूख के मारे, कोई प्यास के मारे, कोई रोग के मारे आपके चरणों में पड़ा है, आप केवल औषधि समझ के हमें दे दीजिए, प्रेम से मत दीजिए। नर्स आपको अस्पताल में दवाई देती है, प्रेम से थोड़ी देती है, उसका कार्य है वो दवा दे देती है। तो गोपी कहती है आप भी बस हमें वैद्य बनकर औषधि दे दीजिए, मत करिए प्रेम, जो हमें चाहिए वो तो हम आपके चरण कमलों से ही पा लेंगे। तो भगवान ने कहा अगर किसी और को भेज दें तो हम नारायण से आज्ञा कर देते हैं, हम किसी अन्य से आज्ञा कर देते हैं। तो एक गोपी ने कहा कि अरे किसने आपको अंतर्यामी कह दिया, आप अभी तक हमारे अंतर के भाव से परिचित नहीं है। गोपी कहती है हम जानती हैं कि एक यही है जो मैं को एक यही है जो मैं को आँखों से पिलाते। बोले प्यारे ये जो इतना परिश्रम हम कर रही हैं आपसे बात करने का, वो दिन भी याद आते हैं जब छछिया भर छाछ पे आपको नचाया करती थी, वो घड़ी भी हमें स्मरण है जब आपकी मैया बड़ा सुंदर अंगराग आपके मस्तक पर लगाती थी, घंटों आपका सिंगार करती थी, आपको सजाती थी, और आप हमारे यहाँ आते थे, हम छछिया भर छाछ पर आपको नचाती थी, और वो नाचने के श्रम से जब आपके मस्तक की वो सुंदर पत्रावली धुल जाती थी तो हम गो का गोबर उठाकर आपके मस्तक पर टीका लगा देती थी, वो घड़ियां भी हमें याद हैं। प्यारे एक बात बताइए, ये जो रोग हुआ है कहां से हुआ? तो भगवान ने कहा हमारे अंतर ध्यान होने से हुआ। तो बोले रोग आप हैं तो जो दर्द देता है वही दवा भी देता है। प्रेम के क्षेत्र में, इस भाव के क्षेत्र में आप संसार के लिए कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप सारा संसार हो सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए आप वो हो सकते हैं कि शायद सारा संसार भी आपकी कमी पूरी न कर पाए। मैंने पहले भी कहा कि प्रेम जीवन की आवश्यकता नहीं है, अरे जरूरत तो कहीं से भी पूरी हो जाती है। प्रेम आवश्यकता नहीं है, प्रेम विवशता है। जब आप मजबूर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, सर्वसमर्थ हैं भगवान, लेकिन आप वृंदावन के रसिकों की दृष्टि से श्री कृष्ण का स्वरूप देखिए कि वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा की नेक सी भ्रिकुटी भंग होती है, प्रिया जी का रस वैभव तो अपरिमित है, अपार है। आप वो छोड़िए, आप उससे पहले की स्थिति देखिए कैसे भगवान को प्रबल प्रेम अपने वश में करता है। जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सत उबलते देखा, जिनकी मात ये भय से सागर सत उबलते देखा, माया शोदा के भय से Oh,
व्यवस्था में भगवान अपना बनाया नियम बदलते हैं, साधारण नहीं। इसलिए सूरदास कहते हैं कि सिया जी को हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे रिविधना टारे नाई टरे। ये प्रारब्ध बड़ी बड़ी सहजता से बड़ी शीघ्रता से क्षय नहीं होता। प्रबल प्रेम, प्रेम ही आना मुश्किल है, प्रेम ही पाना मुश्किल है, प्रबल प्रेम की तो क्या कहिए। तो भगवान ने कहा कि भैया अगर हम ये अदेय वस्तु तुमको दे भी दें तो हम तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर नियम बदलते हैं, तो तुम्हारा तो हमें कोई प्रबल प्रेम नहीं दिखाई पड़ता, तो हमसे कम में ही काम चलाना पड़ेगा तुम्हें, किसी और को भेज देते हैं। गोपी कहती हम खूब जानते हैं प्यारे, एक यही है जो मैं को आंखों से पिलाते, कहने को तो दुनिया मैं खाने हजारों, कहने को तो दुनिया अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजार हजारों। तो प्यारे अब सुन लीजिए या कभी और सुन लीजिएगा या कभी और मान लीजिएगा, अरज हमारी कल भी यही थी, आज भी यही है और कल भी यही रहेगी। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, गोपी नंद दुलारे कहती है। यूं तो हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है, पर हैरान है मगर अक्ल के तू कैसा है क्या है। इसलिए भक्त बहुत चतुराई नहीं दिखाता, बहुत अधिक प्रार्थना स्तुति भी नहीं करता। बोले हृदय का भाव पढ़ना जानते हो, पढ़ लो, क्योंकि जो भाव है उसे शब्दों में अभिव्यक्त करूंगा तो वो अपूर्ण हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। गोपी कहती है प्यारे हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय में कौन है। रसखान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बिरहा की जो आंच लगी तन में हो जाए परी जमुना जल में, श्याम सुंदर आपके विरह की अग्नि से ये तन जल रहा था, सोचा जमुना जी में स्नान कर लूंगी कुछ शीतलता मिलेगी। बिरहा की जो आंच लगी तन में हो जाए परी विरह की अग्नि इतनी थी कि यमुना का जल तो सूख गया और मैं झापड़ी धरती तल में, ताहा रेत फटी पाताल गई, ताहा शेष जरो
मेरे प्रेम की उस तपन को, मेरे प्रेम के उस ताप को नहीं सह पाया। रेत फटी, पाताल गई, और पाताल में शेष भी मेरे प्रेम की अगन से जलने लगा। प्रिया बिरहा की तब आंच मिटे जब आए के श्याम लगे गल में। प्यारे केवल आप ही इस रोग की औषधि हैं। ऐसा अभी मैंने निवेदन किया ना कि लव हैज नो ऑप्शंस, नो ऑल्टरेशंस। प्रेम में कोई विकल्प नहीं है। जब तक प्रेम आपके जीवन की आवश्यकता है, आपका भाव अधूरा है, क्योंकि जरूरत कहीं से भी पूरी होती है। प्रेम जीवन की विवशता होना चाहिए। सत्संग को जीवन की आवश्यकता मत बनाइए, सत्संग जीवन की विवशता हो। जैसे भोजन न मिले तो कैसे तन मन व्याकुल होते, और भूख का प्रकोप तो इतना होता है कि साधु संत भी कहते हैं कि ठाकुर जी से, बोले भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे थोड़ी भजन होता है, भूखा व्यक्ति तो भोजन का भजन करता है। जो बात अभी मैंने निवेदन की ना कि मुक्त व्यक्ति भक्त हो सकता है, संसार की कामना से ग्रसित व्यक्ति भजन करेगा तो वो अंततः कामना का ही भजन करेगा। जीवन में बहुत हाय तोबा है और आप उस हाय तोबा से परेशान होकर साधु हो गए, तो वो जैसे ही जीवन की हाय तोबा खत्म होगी, सुख आएगा, आप भगवान को भूल जाएंगे। और यही होता है, मुंड मुंडाए भजन को और सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। कुछ था नहीं, बाबा जी हो गए, और बाबा जी हुए तो क्षमा करना, थोड़ी कड़वी बात है, कठोर भी है, लेकिन इस भारत देश में जहां बड़ी शीघ्र भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जुड़ जाता है। मैंने प्रथम दिन शायद निवेदन किया था, आपको भजन करना है, आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पाना है, तो आप व्यक्ति से कभी मत जुड़िए, आप विचार से जुड़िए, सिद्धांत से जुड़िए। अगर आपको जीवन में व्यक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है तो अध्यात्म का क्षेत्र आपके लिए नहीं है। एक अभी मैं भोपाल में कथा कह रहा था तो एक नव युवक ने मुझसे पूछा, बोले महाराज मन तो है कि भजन करें, लेकिन परिस्थिति कहती है कि विवाह भी करना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए। तो भजन तो उसको करना चाहिए जो 101% ये समझे कि मुझे भजन करना है। यदि आप 99.1 पे हैं, 99% आपको भजन करना है, 1% आप संसार में जाना चाहते हैं, तो आप संसार से होकर भजन के मार्ग पर आइए। भजन संसार में रहकर 100 बार भजन के मार्ग पर आओगे अच्छा है, पर भजन के मार्ग पर पैर रखकर फिर संसार के इस विषय का स्पर्श करोगे, ये अपराध है, ये भगवान क्षमा नहीं करते। इसीलिए सत्संग, भजन, सेवा, स्मरण, ये आपके जीवन की विवशता होना चाहिए। हां, लेकिन यह भी बात सत्य है कि यह यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। आप आवश्यकता से आरंभ करिए। मैं कई बार कहता हूं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको जीवन में ठाकुर जी ही चाहिए, एक है जिसको ठाकुर जी भी चाहिए, तो आप कम से कम यहां से तो आरंभ करिए कि आपको भगवान भी चाहिए, भगवान ही चाहिए, ये तो अंतिम चरण है। जैसे गोपी कहती है, बिरहा की जो आंच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में, और जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में, तह रेत फटी पाताल गई, फिर शेष जरो धरती तल में, और या बिरहा की तब आंच मिटे जब आए के श्याम लगे गले में। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जो बैद सांवरिया हुए, मेरो दर्द न जाने को। ये आवश्यकता ही विवशता बनेगी। इच्छा ही कालांतर में जाकर तड़प बनती है। ऐसा कल मैंने कहा था ना कि कोयला ही कालांतर में जाकर हीरा बनता है। यदि आप हीरे को तो मानते हैं लेकिन आप कोयले के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो आपको हमेशा उससे वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए जो हैं, जैसे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आज हम क्या हैं, ऐसे कैसे भगवान के सन्मुख प्रस्तुत हो जाइए, छोड़ के एक और प्रार्थना स्तुतियां, वो जानता है। जो प्रार्थना तुम गाओगे वो भी उसी की रची है, और हर प्रार्थना अधूरी है, हर शब्द अधूरा है,
बात उसकी हो तो हर शब्द अधूरा है, बात उसकी हो तो हर भाव अधूरा है। तो आवश्यकता ही आपके जीवन की व्यवस्था बनेगी, इसलिए कहीं से भी आरंभ करिए, लेकिन आरंभ करिए। भाग्यशाली वो है जो चला है, चलोगे ठोकर भी लगेगी, आप गिरोगे। अब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, ऐसा होता है कि आप गाड़ी चलाना सीखो गाड़ी कहीं लगे नहीं? ऐसा तो कभी नहीं होता। आप सोचो समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी, फिर नहाएंगे, फिर खेलेंगे, तो वो समय कभी नहीं आएगा। आप चलिए, आप भटकेंगे, आप गिरेंगे, लेकिन आप पहुंच जाएंगे, ये बात पक्की है। हरिसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। हाँ, लेकिन मार्ग एक हो। आपको यहां से अपने घर जाना है, हो सकता है चार मार्ग जाते हो, पांच जाते हो, लेकिन आप पांचों पर एक साथ तो नहीं चल सकते, आपको एक मार्ग लेना पड़ेगा। मन की एकाग्रता मन का परिष्कार है, और एकाग्र के लिए एक शब्द है, एकाग्र के लिए एक इष्ट है, एकाग्र होने के लिए एक भाव चाहिए। जैसा किसी ने प्रश्न किया था ना कि श्री कृष्ण भी हैं और सब भी हैं, जब तक और सब हैं तब तक कृष्ण कैसे आएंगे? वो तो किसी को नहीं रहने देते, वो पूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, वो आते हैं तो पूरे आते हैं। उनका एक नाम है अखंड, उनका एक नाम है अनंत। वो स्वयं भी चाहे तो स्वयं को बांट नहीं सकते। उपासना ईश्वर की अभिव्यक्ति करने के लिए है, ईश्वर की विभक्ति करने के लिए नहीं। उसको बांटा तो आपने और मैंने है, ये हमारा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा धर्म, ये हमारी उपासना, ये तुम्हारी उपासना। और जैसे क्या है, आप कोई फ्रेंच में आकर गाली देता रहे, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप जानते ही नहीं। ऐसे ही मेरा तुम्हारा करके तुम जितनी प्रार्थना स्तुतियां करते हो, भगवान ये भाषा ही नहीं समझते, फिर तुम कहते हो भगवान प्रार्थना ही नहीं सुनते। जिस दिन आप सच में प्रार्थना करना चाहेंगे, उस दिन आपकी जिह्वा मौन हो जाएगी, आपका हृदय कहेगा। इस गोपी गीत के अंत में एक श्लोक आता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले गोपी रोती है, लेकिन ऐसे हाय हत्या नहीं मची है, गोपी रोती भी बड़े सुंदर स्वर में है। गोपी का रोना आपके मेरे रोने जैसा नहीं है। मैं कल यहां से कल परसों जा रहा था तो एक व्यक्ति मुझे रोक कर बोले महाराज जी, गोपियों का रोना कब होगा? गोपी गीत में अगर रोना होता तो इसका नाम गोपी गीत नहीं होता। रो और गा कोई एक साथ छोड़ी सकता है, जो गा रहा है वो रो नहीं रहा, जो रो रहा है वो गा नहीं रहा। पर गोपी गाती है, क्यों? क्योंकि गोपी के भाव का रुदन, गोपी के प्रेम की अभिव्यक्ति इतनी सुंदर है। और क्या होता है कि बहुत विरह का से भरा भाव कोई गाए तो गाने वाला नहीं रोता, सुनने वाला रो पड़ता है। ऐसे गोपी ने तो विरह का भाव, क्या श्री कृष्ण के विरह में आनंद है। गोपी इस गीत को गाकर कभी भी रोकर खेद प्रकट, गाकर खेद प्रकट नहीं किया जाता, गाकर हमेशा आदर सम्मान अभिनंदन उल्लास प्रकट किया जाता है। गोपी ने तो ये गीत गाकर ये बताया है कि श्री कृष्ण के विरह में भी इतना आनंद है कि उसके सन्मुख संसार के सब सुख नगण्य हैं। गोपी कहती है कि आप अंतिम श्वास तक न मिले, लेकिन हमारे मन चित्त की सभी वृत्तियां, समस्त वृत्तियां केवल एक आपको चाहें। इसलिए गोपी कहती है, कहने को तो दुनिया मैं खाने हजारों, मैं खाने हजारों इन आंखों की मस्ती, मस्ताने हजारों हजारों है इन आंखों से वावस्ता, अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है इन आंखों की मस्ती। तो इसलिए हे नाथ, प्रेम से न सही, हमको रोगी जानकर, हमको दुखी जानकर, हमको पीड़ित जानकर, अपने चरण कमलों को हमारे हृदय पर पधराकर इस रोग की औषधि प्रदान कर दीजिए।
जैसे एक डॉक्टर समर्थ होते हुए भी समय कुसमय रोगी की चिकित्सा ना करे, तो वो डॉक्टर जो है वो अपने पेशे से न्याय नहीं कर रहा, वो अपने कार्य से न्याय नहीं कर पा रहा, वो योग्य वैद्य नहीं है। वैद्य के पास कोई भी आए, भले वो उसका शत्रु भी क्यों ना हो। जब लक्ष्मण जी को वीर घातिनी लगी, वो मूर्छित पड़े थे, तो हनुमान जी गए सुषेण वैद्य के पास। तो सुषेण ने कहा कि भाई तुम तो शत्रु पक्ष से आए हो, मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ। तो हनुमान जी ने याद कराया, बोले आप रावण की तरफ बाद में है, पहले आप एक वैद्य हैं, आपका प्रथम कर्तव्य यही है कि जो भी है पहले उसको आप फर्स्ट एड दीजिए, आप उसको चिकित्सा दें। तो गोपी कहती है मान लिया हमको अभिमान हो गया, मान लिया हमने तुम्हारी अवज्ञा कर दी, पर इस समय तो तुम्हारी विरह के रोग से ये हृदय संतप्त हो रहा है, जल रहा है, और तुम्हारे चरण कमल इसकी औषध हैं, तो न सही प्रेम से हमें रोगी जानकर औषधि प्रदान कर दो। अब क्या है ना कि विष जो होता है वो आप लोहे की डिब्बी में से ले लें या सोने की डिब्बी में से, वस्तु शक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, वो तो अपना कार्य करेगा। आप जलते हुए अंगारे पर बड़े लाड़ और बड़े प्रेम से पैर रखिए तो ऐसा थोड़ी वो आपको जलाएगा नहीं, वो तब भी जलाएगा। तो गोपी समझती है कि इनके चरण कमलों में क्या सामर्थ्य है। प्रणत देहिना पाप कृष्ण चरा ते पदाम्बुजम् त्रिणुं कुचेष्वः। और सबसे बड़ी बात कि इनकी महिमा तो हमने प्रत्यक्ष देख ली, जिसने यमुना के जल को विश्वासित कर दिया था, उस कालिया के भी फणों को आपने स्पर्श किया, तो केवल उसका विष दूर नहीं हुआ। कल ये बात शायद बीच में ही रह गई थी कि जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये द्वारिकाधीश के श्रीमुख का वाक्य है, वृंदावन विहारी का नहीं। अब आप कहोगे कृष्ण भी दो होते हैं क्या? कृष्ण तो भाई अनंत होते हैं और अनंत हो सकते हैं, इसीलिए वो कृष्ण है कि वो एक नहीं वो अनेक है, वो सब है, वासुदेव सर्वम। तो वहां कहकर भगवान ने यह बताया कि यदि आप मेरे ऐश्वर्य का भजन करेंगे तो आप केवल पाप मुक्त होंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, और यदि आप मेरे माधुर्य का भजन करेंगे तो आप भक्त हो जाएंगे। तो गोपी कहती है कि आप कोई द्वारिकाधीश थोड़ी हैं, इसीलिए जब आपने अपने श्रीमुख के विषय में हमसे पूछा तो हमने किसी अन्य बात का आपके सामने निवेदन न करके वो कहा कि मुखड़े को देख के जो चंदा ल जाए, मुखड़े को देख के जो चंदा ल जाए, मुरारी लट पे घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, वो घटाएं वारी जाए, जादू भरे दो नहीं सखीरी मेरो राधा, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा। हम जानते हैं कि आपके चरण कमल केवल निर्मल ही नहीं करते, प्रेम का स्फुरण भी कराते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस प्रेम भूमि के अंतर्गत क्रीड़ा करते हैं, आप वृंदावन के अंतर्गत क्रीड़ा करते हैं, इसीलिए रसिक भक्तों को वृंदावन प्राणों से अधिक प्रिय है। वो कहते हैं विपिन राज सीमा से बाहर हरिहूं को निहार, भट्ट जी कहते हैं रेमन वृंदा विपिन निहार, बोले अरे मन वृंदावन का भजन कर,
श्री कृष्ण का भजन मत कर। विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहूं को न निहार, वृंदावन का भजन कर, क्योंकि वृंदावन में जो श्री कृष्ण है वो केवल पाप का कर्षण नहीं करते, वो प्रेम का स्फुरण भी कराते हैं। वृंदावन से बाहर ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? जैसे एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर होता है, उसको मालूम है तुम ठीक लिख रहे हो लेकिन वो तुमको शाबाशी नहीं देता, उसको ये भी मालूम है तुम गलत उत्तर लिख रहे हो, वो तुमको आकर रोकता नहीं। परिणाम आता है, आपको ठीक का अंक मिल जाता है और गलत का दंड मिल जाता है। ठीक ऐसे ही वृंदावन से बाहर जो श्री कृष्ण है वो परीक्षक जैसे हैं, नियंत्रक जैसे हैं। आप ठीक करेंगे वो आपको उसी समय आकर शाबाशी नहीं देंगे, यू वुड नॉट गेट एन अप्लॉड एट दैट टाइम। आप गलत करेंगे वो आपको आकर कुछ नहीं कहेंगे, वो मौन होकर देखता है। उसने कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा, मा फलेषु कदाचन, फल मैं दूंगा, ताला तुम्हारे पास, चाबी हमारे पास। अब जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी तिजोरी मिल जाए, उस पर ताला लगाए और वो ताला अपनी चाबी से खुलता है, तुम्हारे पास चाबी नहीं है, तुम खाली तिजोरी लेकर प्रसन्न हो जाओ तो अब ये तो तुम्हारी मूर्त है। उस तिजोरी में रखे एक कौड़ी का भी लाभ तो तभी है ना जब आपके पास चाबी है, और वो चाबी जीव के पास नहीं है। भगवान ने सब कुछ दे दिया लेकिन ताला लगा कर दिया और उस ताले की चाबी अपने पास रख ली, वो चाबी उनके चरण कमल है। जैसे कल मैं कह रहा था ना कि प्रत्येक ताले की चाबी लगने का एक स्थान होता है, ऐसे प्रत्येक देवता के भी ध्यान करने का कोई एक विशेष स्थान होता है। जैसे आप शंकर जी के मस्तक पर बने त्रिभुंड और त्रिनेत्र का दर्शन करिए, उसी से शंकर जी के समस्त स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। आप गौतम बुद्ध को देखिए, आप उनके आज्ञा चक्र की ओर देखेंगे, आपको पूरे बुद्ध को देखने की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं, वो इस विषय पर पिछले एक वर्ष से बड़ा अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा चिंतन कर रहे हैं, गहन चिंतन, कि जिस प्रकार प्रत्येक देव का कोई एक विशेष श्रीअंग होता है जहां पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां से वो देवता रूपी ताला खुलता है, वो ऊर्जा का केंद्र खुलता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोले श्री कृष्ण कि किस अंग का ध्यान करना चाहिए? तो मैंने कहा भैया अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, और जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। बोले तुम किसी की भी चाबी लगा लोगे, इनकी चाबी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो सब कुछ है, सकल पदार्थ या जगमाही, चाबी उसके पास में है। और जहां तक मुझे समझ में आता है, जहां तक गोपी समझाने का प्रयास करती है कि वो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मन निर्मल होता है चरण कमलों को हृदय पर रख लेने से। ये चरण कमलों को हृदय पर रखने का भाव गोपी गीत के बिल्कुल मध्य में आया है। अगली बात गोपी कहती है, मधुर या गिरा वल अच्छा। और
प्रेम के देश में एक बड़ी कठिनाई है, जैसा मैंने कहा ना कि प्रेम आवश्यकता नहीं विवशता है। कैसे कि आज जो आपके जीवन में आपकी प्रसन्नता का कारण है, जिसके संग रहने से आपको सुख होता है, जिसके समीप रहने से आपको सुख होता है, जिसके समीप रहने पर आपको प्रतिकूलता प्रतिकूलता नहीं रखती, अनुकूलता लगती है। किसी ऊंचे और नीचे स्तर पे एक युवक और युवती हो, धन की दृष्टि से उनको आपस में आसक्ति हो जाए तो कहते हैं झोपड़ी में रह लेंगे लेकिन साथ रहेंगे। माने जिसके संग रहने से प्रतिकूलता भी अनुकूलता हो जाती है। आज जो आपके ऐसे सुख का कारण है, कल वही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनेगा। जैसे गोपी कहती है ना, बोले दवा भी तुम हो रोग भी तुम हो, तुम ही दर्द हो तुम ही दवा हो। जिंदगी यूं है कि जीने का बहाना तू है, हम फकत हिस्सा एक किताब है, फसाना तू है। सच ये अब दिल नहीं चाहता कि लौट कर आए, सच ये अब दिल नहीं चाहता कि लौट कर आए, क्योंकि हम दर बदरों का तो ठिकाना तू है। क्या करें, तुम्हारे ही चरणों में आकर मन सुख पाता है, चैन पाता है। तो नरसिंह जी की बात मैंने बताई ना, मुझे वो बात बड़ी प्रिय लगती है। नरसिंह जी लड़ते हैं झगड़ते हैं श्याम सुंदर से, लेकिन कहते हैं क्या करूं, मन विवश है, तुम्हारे अतिरिक्त किसी का भजन नहीं कर सकता। नारद जी भक्ति सूत्र में लक्षण देते हैं भक्ति का, तद विस्मरणम परम व्याकुल तेती स भजन स अनुराग स आसक्ति, कि भगवान का विस्मरण होते ही मन चित्त बड़ा व्याकुल हो जाए, यही भगवान के चरणों में आसक्ति का लक्षण है। खाली आपको भजन में सुख हो रहा है, मैं कई बार इस बात का निवेदन करता हूं कि आपको सत्संग में भी आनंद आता है, आप सिनेमा में भी आनंद लेते हैं, माने अभी आपको सत्संग का आनंद आया नहीं। सिनेमा में आनंद लेने वाला तो सत्संग में आनंद लेगा, निस्संदेह लेगा, क्योंकि सत्संग का आनंद प्रगाढ़ है अगर सत्संग हो रहा है तो। सिनेमा में आनंद लेने वाला सत्संग में आनंद लेगा, लेकिन सत्संग में आनंद लेने वाला कभी सिनेमा में आनंद नहीं ले सकता। जिसको भजन का आनंद मिला है, जिसको साधन का आनंद मिला है, जिसको भगवान के नामामृत का आनंद मिला है, उसको संसार के विषय में मन नहीं लगेगा। इसको बड़े सीधे से उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक एक गिलास दूध का है, उसमें मक्खी गिर गई, आपने देख लिया, आप जेल में हैं, आपको भूख मिटाने के लिए वही गिलास पीना है, आप मक्खी निकालकर दूध पी जाएंगे, पेट तो भरेगा क्योंकि दूध पेट में गया है, पेट भरेगा लेकिन आप उस दूध का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक यही बात भगवान के भक्त के साथ होती है। वो प्रारब्ध की इस कारागार में है और उसने देख भी लिया कि संसार के इन संबंधों में वासना रूपी मक्खी गिरी है, ये संबंध शुद्ध नहीं है, ये वस्तु पीने योग्य है नहीं, लेकिन प्रारब्ध है, वो इस प्रारब्ध के कारागार में बंद है, उसे पीना पड़ेगा तो वो पिएगा, क्योंकि उसे जीना है, उसे प्रारब्ध को भोगना है, वो पिएगा तो उससे पेट तो भरेगा, समय तो व्यतीत होगा, जीवन यापन होगा, लेकिन उसको स्वाद नहीं आएगा, आस्वादन नहीं आएगा, और विषय नहीं फंसाता, विषय का भोग भी नहीं फंसाता। भोग तो प्रत्येक व्यक्ति भोगता है, थोड़ा घना अच्छा बुरा जैसा भी, आज कल प्रत्येक व्यक्ति इसी द्वार से निकल कर आया है, तो वो भोगेगा लेकिन वो भोग में आनंद नहीं लेगा, इसलिए भोग में उसकी आसक्ति नहीं होगी। भोग बुरा नहीं है, संसार की कोई वस्तु बुरी नहीं है, मैंने कहा ना संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ अर्थ है, प्रत्येक वस्तु की कुछ ना कुछ उपयोगिता है। भगवान ने निरर्थक कुछ नहीं बनाया, निरर्थक मुझसे एक बार किसी ने कहा, बोले अगर निरर्थक कुछ बनाया नहीं तो निरर्थक शब्द कहां से आया, जो बोले भगवान ने जब कुछ निरर्थक बनाया है नहीं तो निरर्थक शब्द कहां से आया, इनका एक ही काम तो है जो हमने किया है। बोले ये निरर्थक हमने बनाया, हमारा अभिमान। और आप जैसे कल मैंने कहा ना कि वो शायर कहता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली,
और गर्दन झुकाने का मतलब ऐसे करके देखना नहीं, क्योंकि ऐसे ना तो यहां आईना लगा है ना किसी की तस्वीर है। उसकी बाप को समझे वो कह रहा है बस जरा गर्दन झुकाई और देख ली। आप एक बार अपने अभिमान को एक तरफ रख दीजिए, आपको संसार की प्रत्येक वस्तु का समझ में आ जाएगा, उपयोगिता समझ में आ जाएगी। और जैसे ही आपको ये लगेगा कि संसार की प्रत्येक वस्तु की कुछ ना कुछ उपयोगिता है, यहां विष की भी उपयोगिता है, तो आपके मुख से निंदा नहीं होगी, आपको किसी में दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको किसी में दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि आपका मन निर्मल हो गया, क्योंकि भगवान निर्मल मन का यही लक्षण बताते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। तो गोपी कहती है प्यारे वो आपकी मधुर मधुर वाणी, वो आपकी संकेत में कहे गए वो सुंदर हास परिहास, जो कब कभी हमें अनंत सुख प्रदान करते थे, आज आपकी वही वही मीठी वाणी, आज आपकी वही मधुर वाणी हमें अत्यंत पीड़ादायक हो रही है। आज आपका वही स्वरूप जो कभी हमें अमृत सा लगता था, वो भी कहती है ना घूंघट करके श्याम सुंदर का दर्शन करती हूं, घूंट घूंट करके पीती हूं, और ऐसा पीती हूं कि पीते पीते पल पल तृप्ति बढ़ती चली जाती है, पल पल प्यास बढ़ती चली जाती है। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है, बोली पल पल प्यास बढ़ती है श्याम सुंदर तुम्हारे मुख चंद्र का दर्शन करने की। ये मेरे नयन चकोर कभी तृप्त नहीं होते, वो तुम्हारा रूप अमृत, वो तुम्हारा स्वरूप अमृत, वो तुम्हारा नाम अमृत, वो तुम्हारा लीला अमृत जो कभी तुमने हमें प्रदान किया, आज उसी का स्मरण हमारे प्राण लेने को उतारू है। मधुर यागिरा, आपकी वो मधुर वाणी, वल्गुवाक्या बुध मनो गया पुष्करेश। भगवान की वाणी में ना तीन गुण हैं, मधुर यागिरा मधुर है स्वभाव से, वल्गु वाक्य वाक्यों में बड़ा सौष्ठव है, सौष्ठव अर्थात देव, ये वैदिक संबोधन है पिता के लिए देव। पिता ये एक सभ्य सामाजिक संबोधन है पिता के लिए, देव वैदिक संबोधन है, पिता सामाजिक संबोधन है, और बाप ये अच्छी बात नहीं है। एक ही बात है, एक ही अर्थ है, जल की बूंद हाथ पर गिरती है, वर्षा का जल पीने के लिए संचित किया जाता है, पवित्र है, आप पान कर सकते हैं, वो गंदी नाली में गिर जाए उसी से दुर्गंध आने लगेगी, वो केले के पत्र पर गिर जाए कपूर बन जाएगी, औषधि बन जाएगी, और वही जल की बूंद स्वाति नक्षत्र में सीप पर पड़ती है तो मोती हो जाती है। वाणी है, एक ही शब्द है, एक ही भाव है, आप देव कहेंगे आपको पवित्रता का आभास होगा। एक बात हमेशा स्मरण रखिए कि कबीर कहते हैं बोले जो तो एक कांटा बोए वाए बोए तो फूल, तो ये फूल को फूल है और वाह को है त्रिशूल। प्रकृति अनंत गुना करके लौट आती है, आप देखते हैं एक बीज का अनंत होकर आता है। हाँ ये होता है कि आप जिसे दें वही आपको लौटाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा ये बात आवश्यक है। कल मैं कह रहा था ना कि यहां किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आप अपनी इच्छा से नहीं पाएंगे लेकिन आपको मिलेगा अवश्य। आप बबूल बोएंगे बबूल मिलेगा, आप आम बोएंगे आम मिलेगा, जो आज आप पा रहे हैं वो कभी आप देकर आए हैं तो आपको मिल रहा है। इसीलिए जो अभी मैं कह रहा था कि संचित करना ये समृद्ध होने का मार्ग नहीं है, ये विपन्न होने का मार्ग है, ये भीतर से दरिद्र होने का मार्ग है। और मैं देखता हूं, नित्य प्रति देखता हूं, सुबह शाम देखता हूं,
संपन्न से संपन्न व्यक्ति को देखता हूं और उसको भीतर से विचार से दरिद्र देखता हूं, हीन, माने जिसको रात को नींद भी नहीं आती, जिसको भूख भी नहीं लगती। आप सोचिए कि रात्रि में सो जाना और जग जाए तो खाना खा लेना, ये तो मनुष्य के देह के बड़े स्वाभाविक और साधारण धर्म है। वो ये भी नहीं कर सकता बिना दवा लिए। कितना दरिद्र, कितना निरीह है व्यक्ति, कितना विपन्न है वो भीतर से। तो आप जो देंगे आपको मिलेगा। आप अपनी वाणी से किसी को आत्मा का सुख भी प्रदान कर सकते हैं। एक संत वाणी से ही भगवत कथामृत कान के मार्ग से किसी के हृदय तक पहुंचाता है। वाणी ही तो है। आप 3 घंटा यहां बात ही तो सुनने आते हैं। प्रेम की बात ही तो है जो हृदय तक जाती है, सुख मिलता है। 4 दिन से झगड़ा हो रहा है बैठने के लिए, मारामारी हो रही है, फिर भी आप आ रहे हैं। डांट खा रहे हैं, फिर भी आप आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस डांट का कष्ट बहुत थोड़ा है। और मेरे ठाकुर जी की कथा का अमृत वो बहुत प्रगाढ़ है, वो बहुत सुख देने वाला है। तो श्री ठाकुर जी की वाणी में ये 3 लक्षण हैं। मधुर या गेरा, मधुर तो होगी। तुम क्रोध में उफनते हुए भी मिश्री का डेला चखो, वो तो मीठा ही है। तो मधुर या गिरा और वल्गु वाक्या, श्री ठाकुर जी की वाणी में बड़ा सौष्ठव है। सौष्ठव कैसे? कि श्री ठाकुर जी के केवल अधर ही शब्द नहीं कहते, उनकी चितवन भी बोलती है, उनकी हसन भी बोलती है, उनकी भ्रिकुटी का विलास भी बोलता है। शब्द की आवश्यकता तो उन्हें बहुत कम पड़ती है, इसीलिए उनकी वाणी में वो सौष्ठव है, इसीलिए उनकी वाणी वल्गु है। वल्गु अर्थात सुंदर हो, जो सुनने में प्रिय लगे, मनोरम हो। जो कम बोलेगा वही अच्छा बोलेगा। अब तुम मुझसे ही आशा लगाओ कि मैं सबसे बहुत मीठा बोलूं, कैसे? मैं तो 3 घंटा बोलता हूं, अधिक बोलने वाला कैसे मीठा बोले? जो कम बोलेगा वो मीठा बोलेगा, जो कम बोलेगा वो मितभाषी होगा, वो प्रियभाषी होगा। आप देखेंगे समस्त वृंदावन के रस साहित्य में ठाकुर जी की बोलन बड़ी कम है। उनकी चितवन की बात होगी, उनकी चलन की बात होगी, उनकी हसन की बात होगी, उनके गमन आगमन उच्छलन उन्नयन की बात होगी, लेकिन बोलन बड़ी थोड़ी है। बोलने की आवश्यकता नहीं। कौन कहता है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है? कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है? ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता मोहब्बत की जुबान होती? इसलिए साहब, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम देखी महकती खुशबू से छूके से रिश्तों का इल्जाम लगो, हमने देखा। और प्रेम के देश में सब उल्टा पुल्टा है। आंख देखती नहीं, आंख सुनती है। आंख सुनती है, रोम रोम दर्शन करता है। गोपी का रोम रोम कृष्ण का दर्शन करता है। दृष्टि श्याममय हो गई, दृष्टि कृष्णमय हो गई। भोर की वेला है,
और जिस समय स्नान आदि करके एक गोपी श्रृंगार करके और दधि बेचने के लिए निकलती है गोकुल की किसी गली में, दूसरी सखी मिलती है। आज गोपी की हालत बड़ी विचित्र है, गजरा टूटा है, कजरा फैला है। बोली क्या हुआ? तो बोली श्याम बिना उन्हें ये बदरा, रात शाम सपने में देखे भरी आए नैन, ढुरक गयो कजरा। श्याम सुंदर कल रात सपने में देखे, बहुत लगाने का प्रयास किया ये काजल, लेकिन नैन भर भर आते हैं और ये काजल बह जाता है, कपोल कारे पड़ जाते हैं। श्याम बिना उन्हें वदरा, रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने सपने में देखे, भरिया नैन ढोरक गयो कजरा, भरिया नैन ढोरक गयो कजरा, श्याम बिना। तो निगाहे फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी ना हो तो फिर दिलबरी क्या है। वो प्रेम कैसा जो आपको सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना पड़ता है, जिसके लिए आपको हाथ पर टैटू बनवाना पड़ता है। ये वो हकीकत है साहब जो निगाहों से बयां होती है। अगली बात गोपी कहती है, मधुरिया गिरा आपकी वाणी मधुर है, वल्गु वाक्य सुंदर है, आप जो बोलते हैं वो सुंदर है। शब्दों का अपना एक सौष्ठव है, जैसे सैंधव, इस बात के दो अर्थ हैं। एक सैंधव का अर्थ होता है नमक और एक सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा। अब जब आप भोजन कर रहे हैं, आप कहते हैं सैंधव लाओ, तो सुनने वाला जान जाएगा ना कि भाई घोड़ा थोड़ी मंगाया जा रहा है इस समय, नमक मंगाया जा रहा है। लेकिन इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए अगली बात गोपी कहती है, बुद्धिमान हो गया, लेकिन आपकी वाणी है ऐसी कि बुद्धिमान व्यक्ति उसका आनंद ले सकता है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं। कौन आपकी बात का रसास्वादन करेगा, कौन आपकी बात में आनंद लेगा, कौन आपकी बात में छिपे रहस्य को पकड़ेगा? बोले जो बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान में एक से दस करने वाला नहीं। जैसे एक बार एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले महाराज हमको फैक्ट्री का उद्घाटन कराना है। काफी पुरानी बात हो गई, तब मैं कथा नहीं कहता था। तो बोले महाराज जी आपसे मिल का उद्घाटन कराना है, तो मैंने कहा बंद हो जाएगी। कैसे? मित्र साहब इस आपसे एक्सपीरियंस। बोले बंद हो जाएगी। कैसे? बोले मैं किसी को संसार का प्रपंच और उसका आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी बाबा जी बनाऊं। हम एक से दस नहीं, हम तो दस को हटा कर केवल एक छोड़ देते हैं। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठो जाम ऊधो हमें श्याम ही सकाम, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधी की सिला करी आधार श्याम नाम, श्याम जिए श्याम ही है, श्याम ही है प्राण की, श्याम सुखदाई सो भलाई सो बढ़ाना, ऊधो तुम भय बोरे
पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम शाम। पर यहां मुझे थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ा इनके साथ, क्योंकि भाई साल में दो बार कथा कहनी है मुझे, फैक्ट्री चलनी भी जरूरी है, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा। तो हमारे वहां जब मैं बहुत छोटा था तो एक भाव गाया करते थे, एक वृद्ध सज्जन थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसी भाषा में चार पंक्ति आपको गाकर सुनाता हूं। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, नाच नचाओ माने खेल खिलाओ, थे मन भायो जी नाथ थारी शरणी आयो, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, विवेक जागृत है। और विवेक किसका जागृत होता है? जिसने सत्संग किया है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हो। जब आप कहते हैं ना कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं, तो जिसका विवेक नहीं जगा होगा, जिसने सत्संग नहीं किया होगा, वो घबरा जाएगा, उसका समर्पण अपूर्ण हो जाएगा, उसका मन उसके समर्पण को चुरा कर कहीं और ले जाएगा। और जिसका विवेक जगा होगा वो समझ जाएगा कि आप मेरे किस सर्वस्व की बात कर रहे हैं। जीव के पास क्या है अपना? उसका पाप, उसका अभिमान, उसका राग, उसका द्वेष, उसका मद, उसका मात्सर्य, उसका काम, उसका क्रोध, जो वो चाहकर भी अपने हृदय से दूर नहीं कर सकता। मेरे पास जो मेरा है वही तो मेरा सर्वस्व है ना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुण सब तेरे और अवगुण सब मेरे। बाबा फरीद कहते हैं कि काले मेरे कपड़े,
ते काला मेरा वेश औगुण भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। बोले मैं जानता हूं ना मेरे अंदर क्या है। आप कहते हो आप में बिहारी जी नजर आते हैं, मुझे अभी बिहारी जी में भी ठीक से बिहारी जी नजर नहीं आते। अपनी वास्तविकता तो मैं जानता हूं ना कि मैं कौन हूं क्या हूं। तो जब आप कहते हैं मैं तेरे सर्वस्व को हर लूंगा, हमारे परिक्रमा मार्ग पर एक बाबा भजन करते थे, बहुत पढ़े लिखे समर्थ सज्जन व्यक्ति थे कलकत्ता के। एक बार किसी के बुलाने पर श्रीमद् भागवत की कथा में चले गए और वहां व्यास जी ये बात कह रहे थे कि ये श्री कृष्ण का वाक्य है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं। जाने वो बात कैसे उनके हृदय पर लग गई, सब छोड़कर वृंदावन आ गए, भजन किया और भगवत प्राप्ति किया। तो प्रभु आपकी बात का मर्म कौन समझेगा जिसका विवेक जगा है। इसीलिए आपकी वाणी मधुर है, मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, मधुर के साथ साथ सुंदर है, सुष्ठु है, मन को प्रिय लगने वाली है। पर बुध मनोज्ञया, मनोज्ञया माने जो मन को आनंदित करे, जो मन का रंजन करे, वो मनोज है जो मन को अनुरंजित कर दे, तो बुध मनोज्ञया। लेकिन बुद्धिमानों के मन को अच्छी लगती है। जैसे हमारे श्रवणानंद जी महाराज बता रहे थे सच्ची घटना, बोले सेठ जी आए, बोले महाराज जी कथा कराएंगे और संस्कार चैनल पर लाइव कराएंगे, ये आज एक और बीमारी लगी है हमको, कथा भी हो और टीवी पर भी आनी चाहिए, लाइव होना चाहिए। तो संयोग से उस दिन प्रसंग चल रहा था, उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी का तो श्रीमुख वाक्य है कि जिस पर कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन हरण कर लेता हूं। तो बोले कथा के बाद, बोले महाराज जी जो कह रहे थे आप ठीक है क्या, तो ये भागवत जी में झूठ लिखा है क्या, ठीक ही बोल रहे थे। तो अगले दिन सेठ जी का संदेश आ गया कि हम कथा नहीं करा रहे। अब वो महाराज सोचने लगे कि लियो भाई बहुत अच्छा जजमान चला गया, कथा भी करा रहा था, टीवी पर लाइव भी करा रहा था। तो बोले महाराज हम कथा नहीं करा रहे। बोले क्या गलती हो गई, बोले गलती नहीं महाराज, हम आपसे नहीं, हम किसी से ही कथा नहीं करा रहे, हमको कथा करानी नहीं, हमको इनके निकट ही नहीं जाना, तो जाते ही धन हरण कर लेते हैं। तो भगवान की बात का आनंद प्रत्येक व्यक्ति नहीं ले सकता, शास्त्र में सबको विश्वास नहीं होता, संत की बात में सबको भरोसा नहीं होता, सबको ही नहीं कर सकता। वही करेगा जिसकी बुद्धि में विवेक जगा है, जिसको सत्संग मिला है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहले सत्संग कर, सत्संग करके विवेक जगेगा तब दूजी रति मम कथा प्रसंग, फिर मेरी कथा में रति होगी। क्यों? क्योंकि अगर विवेक नहीं जगा होगा तो मेरी कथा सुन के भग जाओगे। बोले अरे काय को श्री कृष्ण के पास जाना है, धन हर लेंगे, यहां सबसे बड़ी आवश्यकता उसी की है। तो बुद्ध मनोज्ञया मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, बुद्ध मनोज्ञया पुष्कर एक क्षण। नाथ थारी शरणी आयो जी, 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 नाथ थारी शरणी आयो जी। धन रूप सवारो सुघड़ बनायो जी, ढोक पीठ धन रूप सवारो सुघड़ बनायो जी, ढोक पीठ धन रूप सवारो सुघड़ बनायो जी, ढोक पीठ धन रूप सवारो सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का करथो में तो, धूल पड़ा का करथो में तो सिरे चढ़ायो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो
और जब गोपांगनाओं ने देख लिया ना उद्धव का हाल, बोलिए सब पोथी पढ़ पढ़ पंडित होते जाएंगे और असली बात समझ में नहीं आएगी कि रीझते कैसे हैं। तब गोपांगना और श्री कृष्ण के बीच में ये लीला हुई। मैंने पहले भी कहा हमको बिल्कुल इस बात में संशय नहीं होना चाहिए कि गोपी के मन में अभिमान आ सकता है, नहीं आ सकता। आप हम वस्तुतः प्रेम का स्वरूप समझ जाएं, आप हम वस्तुतः प्रार्थना का स्तुति का स्वरूप जान जाएं कि प्रेमी की प्रार्थना कैसी होती है। इसीलिए ये लीला है, इसीलिए गोपी कहती है भज सखे भवत किंकिरी स्मनोजल रुहाननं चारु दर्शये। आप ही भजन कर लीजिए हमारा। इसीलिए इन गोपांगनाओं के स्वर में स्वर मिलाकर हमें भी इतनी बात कहनी है। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नहीं कर सकते, जय हो तो बोल सकते हो। हरि जी मोरे ये देखो, इसीलिए महाप्रभु कहते हैं जीवा स्वभाव तो दुष्ट। आपको जय बोलने में भी शर्म आती है, जय बोलने में भी लज्जा आती है। डोंगरे बापा कहते थे भगवान की जय बोलोगे तो तुम्हारी संसार में जय होगी। Oh,
सर्वस राधा वल्लभ नाथ परम धन राधा वल्लभ नाथ परम धन राधा वल्लभ नाथ जीवन धन राधा वल्लभ नाथ जीवन धन राधा वल्लभ नाथ सर्वस राधा वल्लभ नाथ सर्वस राधा वल्लभ नाथ लाडलो राधा वल्लभ नाथ लाडलो राधा वल्लभ नाथ परम धन राधा वल्लभ नाथ परम धन राधा वल्लभ नाथ जीवन 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 धन राधा वल्लभ नाथ श्री राधा आपका वो अधरामृत, अधरामृत अर्थात आपके मुख से निकले वो दो बोल जो कभी आप एकांत में बैठकर हमसे बात किया करते थे, और आपकी आपकी वाणी का वो सौष्ठव आपका संकेतों में किया गया वो हास परिहास, जब संध्या के समय गोधूली बेला आप लौटते थे, भोह मन मत चाप वक्र शीस शोभित मत मोर चंद्रा। संध्या समय श्याम सुंदर आ रहे हैं, कोधुली बेला है, वो पांगनाएं कोई लता की ओट में, कोई किसी किसी तरुवल्लरी की ओट में श्याम सुंदर का दूर से दर्शन करती है, और चाल का तो वर्णन हमने किया ना, तेरी चाल अजब मतवारी, कहां चलेंगे कहां देखेंगे, किसकी ओर हसन है किसकी ओर चितवन है। एक गोपी की ओर देखकर श्याम सुंदर ने एक बंद कमल उछाल दिया दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर, गोपी समझ गई बुध मनोज्ञया है गोपी श्री। जैसे मैं प्रथम दिन कहा था ना कि मंदिर की ध्वजा का दर्शन करने वाले को भी देव दर्शन का ही फल मिलता है, ऐसी गोपी बुध मनोज्ञा है, प्रेम की ध्वजा है, केवल गोपी जानती है कि श्री कृष्ण का वस्तुतः स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये गोपांगनाएं मेरी आत्मा है, कि मेरी आत्मा स्वरूपा है, मैं देवताओं जितनी आयु लेकर भी इनके प्रेम का ऋण नहीं उतार सकता, मैं इनके प्रेम का ऋणी हूं। इनके प्रबल प्रेम के सन्मुख मुझे अपनी भगवत्ता भी बिसारनी पड़ती है तो मैं बिसार देता हूं, इसीलिए सुर कहते हैं ऐसी प्रीत रची वृंदावन गोपिन नाच न जाए गोपिन नाच न जाए। आपको पता है जब आपको कोई ये कहता है कि अरे आप तो फला अमुक व्यक्ति के इशारों पर नाचते हैं, कितनी बड़ी चोट है अभिमान पर, आप नाचते हुए भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम किसी के इशारे पर नाचते हैं, और किसी के इशारे पर न नाचें तो बड़े से बड़ा बादशाह भी अपने मन की वासना के इशारे पर तो नाचता ही है, अपनी इच्छा के इशारे पर नाचता है, कोई कहीं ना कहीं तो बंधा है। जैसे हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले घर मत छोड़ना, साधु नहीं होना, जंगल में जाकर भजन नहीं करना। मैंने कहा बाबा क्यों? बोले भाग्य में जूते लिखे हैं तो घर से ही खा लो, बाहर क्यों खाने। तो जब बंधना ही है, जीव स्वतंत्र हो ही नहीं सकता और उसको होना भी नहीं चाहिए, वो जैसे ही स्वतंत्र होता है वो उच्छृंखल हो जाता है। स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में भेद है। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी, हम तो अपने आप को बूढ़ा मानते हैं, इसलिए मैंने आजकल की युवा पीढ़ी का, वो कहते हैं इट्स माय लाइफ बट इट्स नॉट द इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये उच्छृंखलता है। आपको किसी के निर्देशन में आगे बढ़ना चाहिए। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी,
लेकिन वो जो ताड़ना है माने वो पीटना नहीं। एक सितार की तार को जब कसा जाता है तो सुंदर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, अगर सितार की तार ढीली हो तो वो स्वर उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, केवल उसको कस देना वो उसकी आवश्यकता है। ऐसे ही किसी के निर्देशन में बंधना, किसी के अनुगमन अनुकरण में भजन करना, ये हमारी आवश्यकता है। इसलिए किसी योग्य गुरु के निर्देशन में रहकर भजन करना चाहिए, किसी समर्थ आचार्य द्वारा प्रदत्त उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत नेत्र ही भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं, ये सिद्धांत है। तो जब बंधना है, जब ये मन का बंधन कहीं बंधना है तो क्यों ना प्रभु के चरणों से बंध जाए। मैंने कल भी कहा था, संसार की प्राप्ति होगी या नहीं होगी इसमें संशय है, लेकिन भगवान की प्राप्ति आज नहीं तो कल होगी इसमें संशय नहीं है। कब होगी इसका उत्तर नहीं है, अब भी हो सकती है और कभी और भी हो सकती है, लेकिन होगी अवश्य अगर आप प्रयास करते हैं तो। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, बड़ी सुंदर बात। गोपी ने गोपी गीत के प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण की उपासना का, श्री कृष्ण के स्वरूपामृत, श्री कृष्ण के नामामृत के आस्वादन करने का सूत्र दे दिया है, सिद्धांत फॉर्मूला। वो कहती है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम देह चरानुगम शीनिकेतनम। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो आपकी शरण में आता है, आपके चरण कमल, उसके पापों का हरण करते हैं। मैंने कहा ना भगवान का स्वभाव कैसा है, परीक्षक जैसा, वो मौन है, इज ए कीन ऑब्जर्वर, वो देखते हैं सबको। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कंस की सभा में जब श्री कृष्ण आए तो मथुरा की स्त्रियों को कामदेव प्रतीत हुए, मथुरा की स्त्रियों को वो कामदेव से लगे, कंस को वो काल स्वरूप प्रतीत हुए, बड़े बड़े योद्धाओं को श्री कृष्ण के विकराल रूप का दर्शन हुआ, चाणूर और मुष्टिक को श्री कृष्ण के रूप में साक्षात अपने काल का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण तो वही हैं, तो परिवर्तन कहां हो रहा है, दृष्टि में हो रहा है। दृष्टि बदलती है, नजर बदलती है, नजारा बदल जाता है। वो तो आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। तो गोपी कहती है जो शरण में आता है अब उसको तुरंत त्वरित प्रभाव से अंगीकार कर लेते हैं। सनोक होई जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघनास ही तब ही तब ही। तो अब आप सोचो, आप तो कितनी बार सन्मुख हुए भगवान के। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा ना कि जब शायर कहता है बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो गर्दन झुकाने का अर्थ यूं झुकना नहीं, गर्दन माने अभिमान को झुकाना। भगवान के सन्मुख होने का अर्थ क्या है, आप संसार से विमुख हो गए माने भगवान के सन्मुख हो गए, इसे वाइस वर्सा द सेम स्टेटमेंट, भगवान के सन्मुख हो गए माने संसार से विमुख हो गए। आप संसार के लिए भगवान के सामने गए तो आप भगवान के सामने नहीं गए, आप संसार की कोई कामना प्रार्थना लेकर प्रभु के सन्मुख हुए तो आप सन्मुख नहीं हुए। उनके सन्मुख होने का एक ही मार्ग है, आप खाली हो जाइए। कल मैंने कहा था ना कि आप उपासना आरंभ करेंगे, आप द्वार खटखटाएंगे, वो पूछेंगे कौन, आपके सामने बड़े विकल्प आएंगे, आपके सामने बड़े सुंदर सुंदर प्रलोभन आएंगे, आपको भगवान बहुत कुछ देना चाहेंगे। अभी मैंने कहा ना, भगवान कह रहे हैं मेरी निष्किंचना भक्ति ये अदेय वस्तु है, मैं इसका दान नहीं करता। वो स्वीकार करते हैं कि मैं शीघ्रता से ये प्रदान नहीं करता, शीघ्रता से क्या वो कठिनाई से भी नहीं देते, सब देते हैं लेकिन अपनी निष्किंचना भक्ति नहीं देते। वो भक्ति जिसमें त्रिणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वो सुख वो सहज में प्रदान नहीं करते,
वो सुख वो उसी को देते हैं जो उनके भक्तों की भक्ति करता है। आदि पुराण में भगवान की उक्ति है अर्जुन के प्रति कि अर्जुन जो केवल मेरा भजन और मेरी सेवा करता है वो वस्तुतः मेरा भक्त नहीं है, वो मेरे ऐश्वर्य का भक्त है। आप किसी की बहुत चापलूसी करें, आपको मालूम है कि इसकी चापलूसी करेंगे तो धन मिलेगा, सामान सम्मान मिलेगा, तो ये उस व्यक्ति की चाटुकारिता नहीं है, ये उस व्यक्ति की संपत्ति की चाटुकारिता है। और संसार में इसी का सम्मान होता है। क्यों मैंने इस बात को निषेध किया कि कथा में कोई वीआईपी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने, जो व्यक्ति ना करने योग्य कर्म करता है, एक रात पहले वो व्यक्ति क्लब में बैठकर मदिरा पीता है, न करने योग्य कर्म करता है, और प्रातः काल वो आपकी संस्था को 50,000 रुपया दे के गो भक्त और समाज सेवी बन जाता है, मंच पर आता है, माला पहनाता है, आप भी उसके सामने सिर झुका देते हैं, ये कोई कसौटी नहीं है वीआईपी होने की, कम से कम सत्संग में तो नहीं है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे पूछा, शायद हिसार की बात है, बहुत बड़ा आयोजन था, उसने पूछा महाराज जी आपने क्या घाटा है माला पहन में। तो मैंने कहा माला पहनने के लिए सामने वाले व्यक्ति के आगे झुकना पड़ता है। प्रकृति दिखाती है कि संसार का सम्मान पाने के लिए तुम्हें झुक जाना पड़ेगा संसार के सामने। इसलिए मीरा कहती राणा जी रूठे बारो देश रखासी, हरी रूठा किठ जा सारी माई। इसलिए मीरा निषेध करती है कि मैं नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हाँ पूजी रण छोड़ जी, हमें कहीं जानू भेव। तुमको क्या मालूम कि माथा किसके कदमों में झुका है। इस सिर है अमानत सतगुरु दी, था थाते झुकाया नहीं जानता। ते ए दिल है अमानत मोहन दी, था थाते लगाया नहीं जानता। हर दर पे झुकने वाले सर को सर नहीं कहते। तो गोपी के लिए रोम रोम शाम है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोपी की संध्या, गोपी की प्रातः, गोपी की रात्रि, गोपी का दिवस, गोपी का श्रृंगार, गोपी का विकार, गोपी का चिंतन, गोपी का मनन, गोपी का श्रवण, गोपी का स्मरण, गोपी का कीर्तन, गोपी का जीवन, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। और इस प्रेम के सन्मुख बिक जाना पड़ता है भगवान को। तुलसी बाबा कहते हैं एहे दरबार दीन को आदर, बोले भगवान के दरबार में दीन का सम्मान होता है और कहीं नहीं। और आप कहीं भी देखिए संसार में, कोई संस्था हो, कोई संप्रदाय हो, मैं सबके सामने ये बात कह रहा हूं, कोई संस्था हो, कोई संप्रदाय हो, कोई स्थान हो, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, धन का सम्मान है, दान का सम्मान है, वस्तु का सम्मान है, सम्मान का सम्मान है, सामान का सम्मान है। दीन का सम्मान तो केवल प्रभु के चरणों में होता है, केवल प्रभु के दरबार में होता है। एक केवल यही है जिनकी दृष्टि केवल हृदय पर जाती है, ये केवल हृदय के भाव को स्वीकार करते हैं। एक केवल यही है किसी भक्त ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तू अपने आप को बड़ा भगवान का भक्त कहता है, जिन हाथों में भक्त कमल का पुष्प पकड़ाने में भी संकोच करते हैं कि कमल के पुष्प की जो नाल होती है उस पे कंटक होते हैं, वो कंटका कीर्ण होती है, बोले थोड़ी सी भूमि के लिए तूने उन हाथों में अपने अश्वों की लगाम पकड़ा दी और तू अपने आप को भगवान का भक्त कहता है। अर्जुन तुझे भ्रम है, तू भगवान का भक्त नहीं है। भगवान की भक्ति से क्या प्राप्त होगा, तो उस वस्तु का भक्त है। अर्जुन को चेत आ गया कि भक्ति का स्वरूप कुछ और होता है, प्रेम का स्वरूप कुछ और होता है।
इसीलिए भगवान कहते कि गोपांगनाएं मेरी आत्मा है, मुझे मुझे अपने आत्म स्वरूप लक्ष्मी और शंकर भी इतने प्रिय नहीं है जितने ये ब्रज की गोपियां प्रिय हैं। इन्होंने खरीद लिया है मुझे, मैं बिक गया हूं इनके हाथ में, इनके प्रेम के हाथ। तो गोपी कहती है प्यारे संसार में तीनों लोकों में आपने हमारे प्रेम का इतना उत्कर्ष स्थापित किया, आज अपनी उन्हीं प्रेमिकाओं को, आज अपने चरणों के आश्रित हम उन्हीं निज जनों को ये प्रेम का ये अपने वियोग का विष देकर मारने को आप तत्पर हैं। आपका स्वरूप सच में विषैला है, वो कालिया क्या विष देता जो आपका स्वरूप विष देता है। तभी कल्याण पुजारी कहते बोले सांप के खाए को मंत्र लगे, सांप काट जाए तो बोले मंत्र लगेगा, जीवन दान मिल सकता है। सांप के खाए को मंत्र लगे या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्र, तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ जाए। वो कल परसों एक बालक प्रश्न पूछ रहा था ना, किसी ने कहा मेरी सेवा को किसी की नजर लग गई, इनकी नजर नहीं पड़ी होगी तभी लग गई, इनकी पड़ जाती तो किसी की नजर नहीं लगती। इसलिए कोई कहता है बोले प्यारे मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको भा जाऊं, और आपकी दयालुता देखिए मैं फिर भी आपको भाता हूं, और आप में सब कुछ ऐसा है जो आप मुझे भा जाएं, आप फिर भी मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरा दुर्भाग्य देखिए। इसलिए कृपा करिए कित पाऊं तरुवर की छाऊं जित साजे कृष्ण कन्हैया, कित पाऊं मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हरि रास रचैया, मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हरि रास रचैया। इसलिए हे प्यारे अब और विलंब मत करिए, अब सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, अब सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, सुध लो मोरी मोरी सुध लो मोरी गोपाल में कोई गैया तेरी, तुझे देखना
यही मेरी इबादत और तेरी याद यही बंदगी। अब इस हृदय के इस अंतर मन के दर्पण में तुझे देखना है और जो कृपा रस वर्षण तुमने हम पर किया हमारे संग वो प्रेम भरी रस भरी क्रीड़ाएं करके उनका स्मरण करना है। अब कुछ कहना नहीं है, अब तुम्हारी बात हमारा जीवन है, तुम्हारी कथा हमारा आश्रय है। वंशी के स्वर नाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। कुछ नहीं कहना क्योंकि तुम हठी हो, कपटी हो, निष्ठुर हो, करोगे तो वही जो तुम्हारे हृदय को भाएगा, इसलिए अब तुमसे कुछ नहीं कहना। अब तुझे देखना इबादत और तेरी याद बंदगी है। अब क्या है आश्रय हमारा? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदा जयति ते धिकम जन्मनाव्रज कर मानो गोपी ने जीव मात्र को भवरोग की औषध दे दी कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भ्रीडितम कल्मषापहम। आपकी कथा का अमृत, तू नहीं तो तेरी याद सही। कि
किसी ने कहा तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे। बोले तुम नहीं तो तुम्हारी याद सही। श्रवणम स्मरणम कीर्तनम विष्णोर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। और इन श्रवण स्मरण और कीर्तन में, श्रवण और कीर्तन किस लिए है कि सतत भगवत स्मरण बना रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, भगवान की स्मरण भक्ति। और प्रत्येक भक्त का यही प्रयास है। वर्य महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी महाराज सुधा निधि में इसी सर्वोपरि अवस्था का वर्णन करते हैं। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु सुरतु मे राधा पदाब्जच्छता वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधा। जागते सोते सपने हे श्री राधे आपके चरण कमलों का मुझे स्मरण बना रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं जही जोनी जन्मों कर्म बस तहां राम पद अनुरागो। बोले कहीं जाऊं प्रभु आपके चरणों का एक स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे। क्योंकि भगवान का जो स्मरण है, भगवान का जो कथामृत है, एक भगवान का स्वरूप अमृत है, एक भगवान का नाम अमृत है, एक कथामृत है। हमारे डोमले जी महाराज कहते थे, बोले जो नाम है वो नाम ब्रह्म है, ताली है वो नाद ब्रह्म है, और श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। तो बोले ये नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब मिलता है तो पर ब्रह्म प्रकट होता है। और ये नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म कहां मिलता है? ये नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक होता है कथा में, जहां जिव्या पे भगवान का गुणानुवाद है। ये गीत है, संगीत है, ये भाव है। ये नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म मिलता है और हृदय में वो प्रेम रूप पर ब्रह्म प्रकट होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। बोले प्यारे आपका स्वरूप तो विष है और आपके उस विष को ये कथा का अमृत उतारता है, आपके उस उन विषैले बाणों को। अरे मैंने कब बाण चलाए? वाके जादू भरे दो नयन सखी मेरो राधा। आपकी वो मंद मृदु मधुर मनोहर मुस्कान, आपने कभी कहीं पढ़ा हो शायद, कहते सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। आगे गोपी कहती है, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते विषैला है तो क्यों इसी को पाना चाहती हो? जब हम इतने ही विषैले हैं, हमारी याद भी तुम्हें पीड़ा देती है, हमने तुम्हें देखा वो तीर भी तुम्हारे हृदय में चुभता है, हम जो दो बात प्रेम की कभी तुमसे कर लिए वो भी तुम आज हमें उलाना देती हो, तो फिर हम क्यों चाहिए तुम्हें? हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमें भूल जाओ। तो गोपी कहती है ये मत कीजिएगा, आप मिलिए ना मिलिए, आप आइए ना आइए,
पर महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्प्रेहा। लेकिन आपकी जो ये आशा है, हम जानती हैं ये हमारे किसी सुकृत का फल नहीं है। हमने कोई ऐसा भजन या कोई साधन नहीं किया है जो हमारे मन में आपकी इतनी उत्कट अभिलाषा हो आई है। गुरुवाणी में एक बड़ा सुंदर भाव महाराज कहते हैं, तुम शरणाया ठाकुर, तुम शरणाया, तुम शरणाया ठाकुर, तुम शरणा देता है और फिर देकर कितना उसका प्रदर्शन करता है। तुम्हारी दयालुता क्या कहूं कि तुम मांगने का भी अवसर नहीं देते। अन बोलत मेरी वृथा जाने, 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 अन बोलत मेरी वृथा जाने। और क्या किया, क्या कृपा की तुमने। मैं अवगुणी था, अयोग्य था, अपात्र था, कुपात्र था। अपना नाम जपाया ठाकुर, तुम शरणा सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया ठाकुर, तुम शरणाई, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाया।
श्री रामानुजाचार्य से पूछा गया कि सार्वभौमिक धर्म क्या है, जो किसी मर्यादा में बंधा ना हो, जिसको किसी धर्म अथवा संप्रदाय की सीमाओं ने बांधकर प्रदूषित ना किया हो। प्रेम के मार्ग पे बंधन दूषण है। बंधन प्रेम की गति को कुंठित कर देता है, बाधित कर देता है, भाव मैला हो जाता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आप प्रेम का अर्थ जानते हैं, जैसे जब भगवान ने नित्य लीला नैमित्तिक लीला की तो एक दो यूथ थे गोपांगनाओं के, एक यूथ की प्रमुख है श्री राधा और एक की प्रमुख है चंद्रावली। चंद्रावली और चंद्रावली के यूथ की गोपियां कहती हैं कृष्ण मेरे हैं और श्री राधा कहती हैं मैं कृष्ण की हूं, वो किसी के भी हूं। और वस्तुतः आप स्वतंत्र कब हैं? आप स्वतंत्र अपना भाव देने में हैं, किसी से कुछ पाने में आप सामर्थ्य नहीं है। और सो सुख दुख समझानिए, ध्यान से सुनना, सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। यदि आपके मन का सुख किसी और के हाथ में है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो जैसे ही प्रेम को कोई बांधता है तो प्रेम का भाव कुंठित हो जाता है, प्रेम की सहज गति जो है वो बाधित हो जाती है। और आपको क्या है, संसार में सबसे बड़ी परेशानी यही देखने को मिलेगी। क्यों संसार का प्रेम दूषित हो जाता है? आप जिससे प्रेम करें, आप क्या रेसिप्रोकेशन चाहते हैं? ये कि एक तो ये भी हमसे प्रेम करे, चलो इतना तो समझ में आता है, लेकिन ये केवल हमसे ही प्रेम करे। और जैसे ही ये भाव आता है प्रेम की गति बंद जाती है, प्रेम प्रेम नहीं रहता, वो आसक्ति हो जाता है। और प्रेम जितना उज्जवल है आसक्ति उतनी अंधकारमय है। प्रेम जितना उत्कर्ष कराता है आसक्ति उतना ही पतन कराती है। प्रेम जितना प्रकाश आलोक देता है आसक्ति उतने ही गहन अंधकार की ओर धकेल देती है। जीवन व्यर्थ हो जाता है। आप प्रेम करिए, मैंने परसों भी कहा था, मैं आज फिर दोहराऊंगा, दिव्य प्रेम या सांसारिक प्रेम ये दो बात नहीं होती, प्रेम प्रेम होता है। पर संसार में प्रेम किस लिए नहीं होता? क्योंकि संसार में जो आपका प्रेमास्पद है वो आपके प्रेम का प्रत्युत्तर देने में समर्थ नहीं है, वो केवल ये दे सकते हैं। महाराज कह रहे हैं ना, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। उधर प्रेम बोलने से दूषित होता है और यहां आप अपने प्रेमास्पद को सारा जीवन समझाते रह जाते हैं, अरे हमको ये चाहिए, अरे हमको वो चाहिए, तुम हमारी बात समझते ही नहीं, तुम हमारे मन की बात जानते ही नहीं, तुम हमारे मन की पीड़ा क्या जानो, तुमको क्या मालूम हमारे मन पे क्या बीत रही है, तुम क्या जानो हम तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं। और ये सब बातें प्रेम के उस सहज भाव को दूषित कर देती हैं, मैला कर देती हैं। इसमें दोष संसार के उस आपके उस प्रेमास्पद का नहीं है, वो बेचारा स्वयं अपूर्ण है, वो स्वयं अधूरा है, वो आपको क्या प्रेम देगा, वो स्वयं अपने मन के सुख के लिए किसी अन्य साधन पर आश्रित है। ये समर्थ है, इसीलिए यही प्रेम का भाव पूरा बैठता है। या फिर ऐसा कह लीजिए, प्रेम रूपी आपके हृदय के उस अनमोल भाव को, उस सर्वश्रेष्ठ भाव को यथा योग्य स्थान देते हैं श्री कृष्ण के चरण कमल। श्री निकेतनम गोपी कहती है, प्रणत देही राहु पाप कर शरण चरारुगम श्रीनिकेतन। श्रीनिकेतन अर्थात श्री माने लक्ष्मी और लक्ष्मी माने। अच्छा एक बात बताओ, अगर रुपया लक्ष्मी होती है तो फिर डॉलर क्या होता है, और डॉलर लक्ष्मी होती है तो फिर पौंड क्या होता है? अभी जैसे मैं कह रहा था ना, खाना खाते समय आप कह दो किसी को कि जाओ सैंधव लाओ, बुद्धिहीन होगा तो घोड़ा लेकिन घोड़ा ढूंढने निकल पड़ेगा।
अभी जिस पूर्व के श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे कि मधुरया गिरा वल्गु वाक्य या बुध मनोज्ञया, शास्त्र की बात को समझने के लिए विवेक युक्त बुद्धि चाहिए। और जब गोपी कहती है श्री निकेतनम, आपके चरण कमल लक्ष्मी का निवास स्थान है, लक्ष्मी माने जिसको पाने के बाद आप समृद्ध हो जाएं, आप देने वाले हो जाएं। क्या पाने के बाद आप देते हैं? बिना शर्त, बिना कागज की लिखा पढ़ी के आप किसे देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं? आप प्रेम को देते हैं, प्रेम से देते हैं। तो श्री कृष्ण के साथ जब जब श्री शब्द का प्रयोग होता है, श्री का अर्थ प्रेम, आपके चरण कमल प्रेम का घर है। क्यों? मैं तो कई बार कहता हूं, इसको आप मेरे इष्ट के प्रति मेरा पक्षपात समझ लीजिए, दृष्टता समझ लीजिए, या कुछ और समझ लीजिए, हो सकता है कोई दूसरा इससे रुष्ट भी हो जाए। मैं तो देखता हूं, हम कहते हैं गोपी केरी अपने चरणों में स्थान दे दो। कौन देता है चरणों में स्थान? एक श्री कृष्ण के अलावा आपने कभी किसी को देखा है किसी ने अपना चरण उठाया हो चरणों की छांव देने के लिए? आप मुझे सोचकर बता दीजिए, कोई नहीं मिलेगा आपको। केवल एक यही है, ये प्राणी मात्र के प्रेमास्पद हैं, ये जीव मात्र के प्रेमास्पद हैं। इसीलिए गोपी कहती है तृण चरानुगम श्री निकेतनम, तृण कहकर। देखो तिनके से नीचा और क्या होता है? आचार्यों को भी जब जब नीचा होने के लिए कहना पड़ता है तो वो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, बोले तृण सम नीच अपन को कहे। तिनका माने जो बयार के बस, हवा जिसे जहां उड़ाकर ले जाना चाहे ले जाए। तो गोपी कहती है तृण चरानुगम। देखिए, एक ओर गोपी श्री निकेतन भगवान के चरण कमलों को कितना सुंदर संबोधन देती है। क्या आवश्यकता पड़ी थी उस श्री निकेतन से पहले गोपी को तृण चरानुगम कहने की? कोई और शब्द भी हो सकता था। तृण चरानुगम गोपी इसीलिए कहती है, आप ही तो हैं जो तिनके से भी प्रेम करते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, तिनकों को भी आप अपना चरण रख के कृतार्थ करते हैं। तिनका माने वही अर्थ, तिनका माने केवल घास फूस नहीं, तिनका माने जो बिल्कुल निम्न से निम्न है, जो नीच से नीच है। माता शबरी कहती है ना, अधम से अधम हीन मैं नारी की विधि स्तुति करम तिहारी। बोले अधम से अधम, हीन से हीन पर भी आप कृपा करते हैं। आप जानते थे कि कुब्जा के हृदय में काम है, काला काम, आपने फिर भी उसका हाथ थाम लिया, आपने फिर भी उसको कृतार्थ कर दिया। माने कोई किसी भी भाव से जाए तो आचार्य रामानुजाचार्य जी से पूछा, बोले एक धर्म बताइए जो प्राणी मात्र का धर्म हो, जीव मात्र का धर्म हो, तो बोले प्रपत्ति। प्रपत्ति अर्थात शरणागति, भगवान के चरणों के शरण हो जाना, बोले ये जीव मात्र का धर्म है, किसी को बंधन नहीं है। और भैया आज नहीं तो कल पानी तो पुल के नीचे से ही जाएगा। बात आज समझ में आ जाए तो आज अच्छी है। तुमको जीवन में मेरे जैसे किसी की बकबक सुन के समझना हो तो तुम्हारी इच्छा है, फिर आना हो संसार में, क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, तुम हमारे लिए तुम हमारे, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। राधिका सावरे, राधिका सावरे, राधिका सावरे।
सावरे ये पहले प्रीत लगाकर फिर होशियारी भी करते हैं। हो सकता है आपको नख से लेकर शिख तक कस दे, हो सकता है दर बदर की ठोकर खिला दे, पर दो बात है, एक तो इनके अलावा कहीं विश्राम नहीं है, ध्यान से सुनना, इनके अतिरिक्त भी कहीं विश्राम नहीं है और इनके जैसा भी कहीं विश्राम नहीं है। मनुष्य का जन्म पाकर सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट अगर कुछ पाया जा सकता है तो इनका साथ है, इनके चरण है। इसलिए पहले तो वो अनबोलत मेरी बिरथा जान, वो बिना बोले जानता है, लेकिन फिर भी कहना हो तो इतना ही कहना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। तो मेरे सिर पे आके रख दो, मेरे सिर पर आकर रख दो दोनों अपने, राधिका सावरे, राधिका सावरे, राधिका सावरे, राधिका सावरे, राधिका सावरे, बहुत छोटा था तो एक माताजी भजन गाती थी, वो कहती थी मिलदा नसीबा नाल तेरे जया सोना, के तेरे जया सोना होर नहीं होना। वो कहती थी रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इस्ते जावे, वो सोना हसे सोना चले सोना पीवे खावे, सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे, ते सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, ते सोना मैनू सोना कर सी सोना मेरा ठाकर। यही बात गोपी कहती है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह ते पूरी राजनाव कथा मृतम तत जीवनम पवीरितम कल्म शाप सतरति सतरती सलोकान स्तारयति। भगवान का गुण गाने वाला, भगवान का यश गाने वाला, और इस संसार को भगवत यश का, इस कथामृत का, भगवान कहते मेरे लीलामृत का पान कराने वाला, भगवान कहते भूरी दाजना, वो बड़े से बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, वो सर्वश्रेष्ठ है।
मैंने कल भी कहा ना, आप आत्मा के स्तर से श्री कृष्ण के निकट जाएंगे तो आपका तन मन प्राण सौंदर्य से माधुर्य से उस भाव के ऐश्वर्य से पूरित हो जाएगा। मैंने शायद पहले भी बताया था, एक बार काफी पहले की बात है, एक बार मैं लुधियाना गया सत्संग के लिए, तो जिन लोगों के यहाँ हमारे भोजन की व्यवस्था थी सत्संग से पहले, रात्रि का सत्संग था और भोजन के लिए हमको जाना था किसी के यहाँ, तो वो बड़ी भाव की भाव वाली वो माता जी थी, तो भोजन कराया। जब हम चलने लगे तो कहने लगी, महाराज जी तो अड्डे कोल में कुछ पूछना है। तो मैंने कहा पूछिए। नहीं बस बस वो कुछ पूछना सी। तो मैंने कहा संकोच मत करो पूछो। कि नहीं बस मैं आई पूछना सी, तुसी साबण कड़ा लांदे हो। कहती बस यही पूछना था। तो मैं कहा माता जी तुसी सत्संग चाहोगे तो मैं उत्थे जवाब दे देना। कहती ठीक है। तेरे नाल हसना ते तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना वे तेरे जिया सोना, होर नहीं वे तेरे जिया सोना, होर नहीं होना तेरे जिया सोना, होर नहीं होना। मिलदा नसीबा ना तेरे जया सोना, तेरे जया सोना वे तेरे जया सोना, और नहीं होना वे तेरे जया सोना, और नहीं होना वे तेरे जया सोना, और नहीं होना वे तेरे जया सोना, और नहीं होना। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, अब मुझे इसका अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भाई महाराज पैसे में बहुत गर्मी होती है। ऐसे तुलसी बाबा कहते हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कुंभन दास जी के कंठ की प्रशंसा सुन के बादशाह अकबर ने बुलाया, दरबार में बुलाओ, गाना सुनेंगे उनका। कुंभन दास जी ने जाने से मना कर दिया। गांव वालों ने कहा, अरे बादशाह नाराज हो जाएगा, सारा गांव उजड़ जाएगा, तुम्हारे जाने से बात बनती हो तो चले जाओ। और वो कोई डरा धमका कर तो बुलाता नहीं है, बेचारा कितने आदर सम्मान से बुला रहा है, प्रेम से बुलाया, लाव लश्कर भेजा है आपको ले जाने के लिए। कुंभन दास जी अपनी टूटी पन्हैया फटे वस्त्र पहनकर चल दिए। फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर का दरबार लगा है। बोले गाओ, गाए भगत को कहा सीकरी का। आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। बोले टूटी फूटी चप्पल थी वो भी टूट गई। बोले जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। अरे बीरबल ने कहा ये क्या गा रहे हैं, अभी तो अकबर वाह वाह कर रहा है संगीत की लहरी में, जब ये पूछेगा कि क्या गाया इसने मतलब बताओ, तो बीरबल के प्राण निकल रहे हैं, अरे बेचारा बेमौत मारा जाएगा। और कुंभन दास जी निर्भय गाते हैं कि जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम। बोले प्रभु क्या गलती हो गई, आज यहां भेज दिया आपने। और वही बात हुई, राग के स्वर शांत हुए। अकबर ने कहा बीरबल क्या गाया इस फकीर ने। बीरबल मौन, क्या बताए। अकबर ने देखा, बोले आवाज बुलंद बताओ क्या बताया। बीरबल ने बताया, लेकिन विपरीत परिणाम हुआ। अकबर कद्रदान था, एक फकीर की फकीरी क्या होती है वो जानता था। उतर आया नीचे, हाथ जोड़े, बोले कोई सेवा हो तो बताओ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। बोले करोगे। बोले हाँ। बोले हमको कभी दोबारा याद मत करना।
मिल, बस यही सेवा आपसे चाहिए, हमें दोबारा यहां नहीं बुलाना, और कुछ नहीं चाहिए। खाने के लिए दो वक्त की रोटी और ओढ़ने के लिए काली कमली हमको हमारे गोपाल जी दे देते हैं, इसके अतिरिक्त तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों के सेवन से जो आत्म का उत्कर्ष होता है उसका एक अलग गौरव है। भक्त का मान संसार को सुख देने वाला होता है, प्रभु के श्री चरणारविंद के सेवक होने का अभिमान भी संसार को सुख देने वाला है। मीरा को इस बात का अभिमान है कि नहीं पूजी गौरा जी और नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रण छोड़ जी, मैंने किसका सेवन किया है, मैंने अपना ये माथा किसके कदमों में झुकाया है। तो ये प्रश्न मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, उत्तर एक ही है, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, सोना मेनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, पढ़ लिया पल्ला तेरा ओ, पढ़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा, बोले गोपियों का रोना भी कितना सुंदर है, ये गोपियों का गीत गोपियों का रुदन ही तो है। कितने दिन से हम यहां आनंद ले रहे हैं और इस आनंद का विश्राम ही नहीं आता, कितना प्रयास किया मैंने आगे बढ़ने का, लेकिन इस आनंद समुद्र में ऐसे भंवर हैं जो किनारे लगने ही नहीं देते। यही श्री कृष्ण कथा का अमृत है, अमृत अर्थात जो कभी क्षय ना हो, अमृत अर्थात जो कभी बाधित ना हो, अमृत अर्थात जो कभी कुंठित ना हो, अमृत अर्थात जो कभी कभी क्षीण ना हो, जो मरे नहीं वो अमृत, ये कथा का अमृत है। तब कथा अमृत और श्रवण मंगलम,
आपकी इस कथा का अमृत और इसका अतुल्य अपरमित प्रभाव ये है कि कान के मार्ग से ये अमृत जाता है और हृदय को निर्मल कर देता है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सदा मेरा एक निवेदन है, आप कहानी समझ के सुनोगे तो केवल मनोरंजन हो पाएगा, एक सात्विक मनोरंजन, लेकिन आप कथा समझ के श्रवण करेंगे तो इस कथा का एक एक शब्द अमृत है, ये संजीवनी विद्या है। श्री कृष्ण कथा संजीवनी विद्या है। आपका और मेरा दोष है, हम अपराधी हैं कि हमने इस संजीवनी विद्या को व्यापार बना दिया। इसमें आप मैं हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। साहब व्यापार एक तरफ से तो नहीं होता, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है, बेचने वाला खरीदने वाला बेचने वाले को बेचने के लिए प्रेरित करता है तो बेचने वाला बेचता है। ये हमारे मन की दुर्बलता है। हम सबने सोचा कि हम सब जीवन में एक एक बार भागवत करा लेंगे और कल्याण हो जाएगा। तथा कथित निष्काम भाव से इतनी कृष्ण कथा कहने के बाद मुझे तो अभी तक अपने कल्याण में संशय है, और प्रभु कृपा करे अंतिम समय तक ये संशय बना रहे। इसीलिए अंतिम समय तक हम अपने साधन में लगे रहे। अगर कथा का उद्देश्य अशुभ हो अशुद्ध हो तो कथा सारस ततोगत, कथा का सार चला जाता है। आज गली गली में भागवत होती है, भागवत कहने वाला आपसे विनती करके कहता है कि हमसे भागवत करा लो। ये दशा कृष्ण कथा की है, कृष्ण कथा की नहीं है, ये आपकी और मेरी दुर्दशा है। बात कृष्ण कथा की आए तो ये तो अमृत है, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा। आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोल माया। लक्षण है कि हमारे हृदय को कथा के अमृतत्व ने स्पर्श किया है, हमारे हृदय को कथा के उस अमृतत्व ने उस प्रेम ने स्पर्श किया है। लक्षण यही है कि आप जितना सुनेंगे उतनी लालसा बढ़ेगी, उतनी तृषा बढ़ेगी भगवत गुणानुवाद सुनने की। मैं शायद अभी कह रहा था ना, किसी ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी इतनी जल्दी जल्दी कथा मत करिए आप दिल्ली में। मैं कहा क्या होगा, बोले क्रेज खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी कही ना, मूड व्यक्ति को बोलो सैंधव लाओ, वो घोड़ा लेने चला जाएगा। उसको कथा भी कहानी लगती है, उसको ये भी एक सामाजिक आयोजन लगता है, उसके लिए ये भी एक आयोजन है, उसने कराया और हो गया। अभी परसों एक वो शब्द शायद मैं ना ढूंढ पाता क्योंकि मेरा विषय नहीं है, हम मित्तल साहब ने मुझे बताया, बोले पीपल डू स्पेंड इन्वेस्ट डू नॉट स्पेंड। बिल्कुल यही बात है, हम कथा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, चलो अब एक भागवत करा देते हैं, ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट हो गया, ऊपर अकाउंट में जमा हो गया। वो तो बेटा ऊपर ही जाकर पता चलेगा क्या हुआ, करने वाले को भी और सुनने वाले को भी। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, पढ़ी नमाज ते लियाज ना सिख्या, तेरिया किसकम पढ़िया नमाजा, इल्म पढ़िया ते अमल न कीता, तेरी किसकम दित्तिया आवाजा। आखिरी बात कहते हैं बुल्ले शाह, पता ता लगसी चिड़ी फसी हाथ बाजा।
उथे अमला दे हूण गे नबेड़े समझ मन मेरे भजन कर गोविंद कथा का अमृत श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया है आपके मेरे हम सब के लिए। इसको दूषित मत कीजिए, इसको व्यापार का साधन मत बनाइए, ना बनने दीजिए। मैं आप लोगों के माध्यम से समाज को भी यह कहना चाहूंगा, आज आपको मुझे इस बात की आवश्यकता है। आप एक घी का दीपक जलाकर अपने प्रभु को श्रीमद् भागवत की कथा बांच कर सुनाइए, आपके मन में प्रकाश हो जाएगा। आपको किसी प्रपंच अथवा आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने आपसे फिर कहूंगा, मैं आपसे, आपके और उनके बीच में कोई नहीं है। किसी बहन ने आज प्रश्न किया कि आप कहते हैं गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच में द्वार होता है, दीवार नहीं। अगर गुरु दीवार बने तो क्या करें? मुझसे मत पूछो, मैं बहुत कड़वी बात बोलूंगा, मैं तो कहूंगा तोड़ दो। शिव पुराण में भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, किसी से दीक्षा लेने के 1.5 वर्ष उपरांत भी अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो आपको वो स्थान बदल लेना चाहिए, आप अभी सही ठिकाने नहीं पहुंचे। तुम गए, तुमने प्रणाम किया, उन्होंने पूछा तुमने धोती पहनी है, नहीं पहन लेना, कृपा हो जाएगी। आप बिल्कुल गलत जगह पर हैं, ये अमूल्य जीवन खो देंगे आप, और ऐसा खोएंगे कि आपको पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। मैं फिर कहूंगा आपसे, और इस बात को कोई और तो क्या, इस बात को ब्रह्मा भी चुनौती नहीं दे सकते, उनकी भी सामर्थ्य नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब तक जीऊंगा मेरी अंतिम श्वास यही बात कहेगी कि तापत त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्राणी मात्र की एकमात्र गति, प्राणी मात्र का एकमात्र विश्राम श्री कृष्ण के चरण है। उनके अतिरिक्त न तो किसी ने ठौर दी है, न कोई ठौर दे पाने में समर्थ है। अभी मैंने कहा ना, ये हकीकत वो है जो निगाहों से बयां होती है। बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि अभिनंदन है शील प्रभुपाद के चरणों में। जिस प्रकार कमल लाने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, वो देश जो भोग देश है, जो केवल भोगना जानते हैं, वहां जाकर और उस भोग में उस आसक्त जीवन में पड़े उन विषय ग्रसित जीवों को ले आए, वृंदावन का मार्ग दिया, हरि नाम दिया, माला झोली हाथ में दे दी, मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक दे दिया, वैष्णव वेश दे दिया, जो दर्शन से पवित्र करता है। आप देखिए वो लोग, जब आप कभी कार्तिक मास में जाकर देखिए वृंदावन, वो जब वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते डोलते हैं, वो हमारा आचार नहीं जानते, व्यवहार नहीं जानते, संस्कार नहीं जानते, क्या है, कितनी प्रतिकूलता है वृंदावन की जीवन शैली में। वो लोग आते हैं सब कुछ छोड़कर, अपना भोग छोड़कर, अपना देश छोड़कर आते हैं, क्यों? आत्मा को सुख मिलता है। वो आत्मा का सुख जिसकी कोई भाषा नहीं है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, वो आत्मा का सुख जो एहसास है, और इनके चरण कमलों में आकर किसी को भी हो सकता है, जो रूह से महसूस होता है।
पर गोपी कहती है कि भूवि गृणंती ते भूरी दाजना। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। बोले जो भजन का मार्ग दे वो भगवान से भी बड़ा है। जो मन चित्त की वृत्ति संसार से खींचकर बलात् लाकर इनके चरणों की ओर उन्मुख कर दे उससे बड़ा आपका हित और किसने किया, कौन कर पाएगा। इसीलिए भक्त कहते हैं कि तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा और तेरे चाहने वालों को चाह करूं। श्री ठाकुर जी का श्रीमुख वाक्य है मोको तो भावे माई जगत भगत भजनी। मुझे तो इस संसार में भक्त का भजन करने वाला प्रिय लगता है। भगवान के भक्त में प्रारब्ध बदलने की सामर्थ्य नहीं होती, ध्यान से सुनना। भगवान के भक्त में प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन जो भगवान के भक्त की भक्ति करता है वो अपने एक संकल्प से प्रारब्ध क्षीण कर देता है। क्यों? क्योंकि वो भगवत तत्व उसके अधीन है। वो भी कहती है भूरी दाजना, वो बड़े से बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। कौन? तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् उद्देश्य शुद्ध हो। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं इसे व्यास पीठ कहते हैं, यह व्यास जी का आसन है। इस स्थान पर बैठकर मिथ्या बात कहना, नाम अथवा दाम के लोभ से इस स्थान का प्रयोग करना, करने वाला अनंत जन्म रौरव नरकगामी होता है। शास्त्र का वाक्य है। व्यास जी ने लिखा, बोले अब हम हूं से भक्त कहां में, बोले अब हमारे जैसे भी भक्त कहलाने लगे। माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लाभ। श्री गुरु को उपदेश लेस नहीं और अनमंत्र सुना में। और आप किसी लोभी के मुख से कथा सुनेंगे अर्थ का अनर्थ होगा। आप किसी विषय व्यक्ति के मुख से रासलीला का श्रवण करेंगे आपके मन में काम भाव जगेगा। आप किसी संत के मुख से रासलीला का श्रवण करेंगे मन के हृदय के काम का समूल नाश हो जाएगा। कल मैंने कहा था ना, एक सौंदर्य होता है जो मन को विकृत करता है, भोग की ओर ले जाता है। एक सौंदर्य होता है जो मन को शीतल करता है, जो आपको दर्शन होने पर प्रभु की स्मृति करा देता है, जिसके दर्शन में एक पवित्रता होती है, एक निर्मलता होती है, जिसके निकट जाकर प्रयास करने पर भी आपके मन में भोग का भाव नहीं जगता। अंधकार सूर्य के समक्ष आकर कितना भी प्रयास करे वो उदय नहीं हो सकता, उदीयमान नहीं हो सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणारविंद के अनन्य आश्रित एक भक्त थे हरिदास यवन। नित्य प्रति 100,000 नाम जप करते थे। जो उनके समजातिस्थ लोग थे उनको कष्ट हुआ कि ये मुसलमान होकर काफिरों का सा रास्ता अपनाता है। उन्होंने प्रयास किया, एक वेश्या को भेजा, बहुत चेष्टा करने का प्रयास किया उस वेश्या ने, कुछ नहीं हुआ। पहले दिन, दूसरे दिन आई, लेकिन दूसरे दिन प्रयास शिथिल पड़ गया था। तीसरे दिन वो वेश्या भी शिथिल पड़ गई और हरिदास स्वामी के चरणों में पड़ गई, चरण स्पर्श पाकर निर्मल हो गई। कोई कहता है ना कि हम करना तो नहीं चाहते थे पर करना पड़ा। करना कुछ नहीं पड़ता है, आप जो करते हैं वो आप करना चाहते हैं इसीलिए आप करते हैं, आपकी स्वीकृति है। अरे आप भजन के मार्ग पर चलना चाहें भगवान आपको संसार के गर्त में धकेल दें, ऐसा अन्याय भगवान किसी के साथ नहीं करते। आप सोचिए जो नहीं चलना चाहता। महाराज कह रहे अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया। जो नहीं चलना चाहता उसको भी प्रभु भजन करने का अवसर देते हैं। चलना चाहे वो संसार की भीड़ में भी रहकर अकेला रहता है।
समय हो गया और थोड़ा नहीं अधिक हो गया, और 10 मिनट और ले सकता हूं मैं। तो गोपी गीत का तो विराम नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, पर एक बात बिल्कुल निश्चित है, मैंने पूर्व भी गोपी गीत कहा है, बहुत स्थान पे कहा है, लेकिन इस बार मेरे मन का भाव था, जब मैंने यहां मीरा चरित्र कहा था तो मेरे मन में प्रेरणा थी, इच्छा थी कि मुझे राधा पार्थ सारथी को सुनाना है, और मुझे लगता है उनको सुनाने का भाव था, इसीलिए यहां गोपी गीत का ऐसा गान हुआ, नहीं तो शायद नहीं हो पाता। मुझ में नकल सामर्थ्य थी, मैंने तो पहले भी कहा कि मैं जिस भाव से भजन करता हूं इनका, उसमें गोपियों का विरह कहीं नहीं आता। आज किसी ने प्रश्न भी किया कि गोपी सखी और मंजरी में क्या भेद है, जिसने भी यह प्रश्न किया है, 17 सितंबर से 21 सितंबर तक राधा अष्टमी के अवसर पर मुझे वृंदावन रास मंडल में कथा कहनी है राधा सुधा निधि की, 17 सितंबर से 21 सितंबर शाम 4 से 7 बजे तक, जिसका भी यह प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मैं वहां दे सकता हूं, यहां नहीं, क्योंकि ये चर्चा समय सापेक्ष भी है और स्थान सापेक्ष भी है। खैर, जिसने भी प्रश्न किया, प्रश्न बहुत सुंदर है, पर 17 से 21 सितंबर शाम 4 से 7 बजे बड़ा रास मंडल श्री वृंदावन धाम राधा अष्टमी के अवसर पर ये 5 दिन का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, इस बार भी है, और इसी के साथ साथ आप सबको सस्नेह निमंत्रण भी है मेरी ओर से, आप आए और इस भाव का भी श्री जी कृपा करें तो आनंद लें। ताली मत बजाओ, जब ताली बजती है तो मुझे लगता है राजनेता की रैली हो रही है। मन का उल्लास हो तो प्रभु के नाम का जयघोष करके प्रकट करना चाहिए, और इसी बात के साथ, इसी भाव के साथ, मैंने कोई कठोर शब्द कहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, किसी के हृदय को मेरी किसी बात से पीड़ा पहुंची हो मैं तो भी क्षमा चाहता हूं, लेकिन कहने का भाव केवल यही था कि किसी हम में से किसी भी एक के भाव से किसी अन्य के भाव को पीड़ा ना पहुंचे, हम किसी के मार्ग में साधक ना बन सकें तो बाधक भी ना बन सकें। सत्संग है, जहां जैसा स्थान मिले वहां बैठकर आनंद लेना चाहिए। और दूसरी बात कि मुझे ऐसे लगता है कि दीन होकर झुककर कहीं आना, ये भाव भक्ति की भूमिका है, इसी भूमि पर बीज पड़ता है और फिर प्रफुल्लित होता है। केवल यहां नहीं, आप कहीं भी जाएं, किसी के भी सद्विचार में आपको बैठने का अवसर मिले, प्रयास यही होना चाहिए, भाव भी बना रहे और अनुशासन भी बना रहे। इसी भाव के साथ आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। आप सब लोग बैठे रहेंगे, आज अंतिम दिन है और हम लोग वृंदावन महिमा का गान करेंगे। ललित माधव दास जी की इच्छा थी इसीलिए मैं इसका मना नहीं कर पाया, नहीं तो मेरे यहां पर ऐसा होता नहीं है। इनकी इच्छा थी तो इन्होंने कहा कि आप लोग वृंदावन महिमा का गान करिए, हम अंतिम दिन बस एक बार भगवान की आरती कर लेंगे। जय 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 श्री वृंदावन, लाडली बार, जय 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 श्री वृंदावन, जमुना नील मणि की माल, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस वर शत सबका, जय 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 श्री वृंदावन, सखिन संग राजत जुगल किशोर, अद्भुत छवि सांझ अर भोर, जय 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 श्री वृंदावन, न छोर, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम की नदी बहे चहोर, जय 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 श्री वृंदावन, उखुर लब पिए प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन, गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन, उनैनन निरखिय श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन, बनवाले तो परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन, धन धन
श्री विन का प्रसाद जय 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 श्री वृंदावन आए सब मिटी है विषय विषाद जय 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 श्री वृंदावन सब सुख एक शीत के स्वाद जय 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 श्री वृंदावन सर्वस्व मान्यो हित प्रभुपाद जय 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 श्री वृंदावन धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग सब दूर जय 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 श्री वृंदावन रसिक जनन की जीवन मोर जय 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 श्री वृंदावन हित को राज सदा भरपूर जय 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 श्री वृंदावन रसीली मन मोहन की वेण जय 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 श्री वृंदावन कौन हरिवंशी समरस दे लाडली वृंदावन दीजो किशोरी मोहे चरणन रख लीजो जाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो स्वामी विनय मान लीजो किशोरी चरणन रख लीजो जाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो राधा आप सबको ऐसे देखकर आज तो मेरा आप सबकी बलिहारी लेने का मन कर रहा है। श्री जी कृपा करें और आपके जीवन में ये हर्ष उल्लास ये जो आप दोनों हाथ उठाकर श्री जी का नाम लेते हैं ये समर्पण का भाव ये बना रहे बढ़ता रहे छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे राधा राधा
बड़ी भोली।